चलो दोस्तों, देखो कल जो हमने सेशन लगाया दोस्तों, हम लोगों ने क्या, तो टॉपिक हमारा चल रहा था कि नेटवर्किंग के हम जो कॉन्सेप्ट है ना लिनक्स में, कॉन्सेप्ट क्या है इसके और कैसे यूज करते हैं नेटवर्क यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको समझना था क्लास में, ठीक है। देखो इसमें सबसे बड़ी बात ये समझो, कल पहले हमने क्या किया, एक थ्योरी पार्ट का हमने सेशन लगाया। इसमें थ्योरी सेशन में क्या क्या था, मैं आपको जरा एक बार रिपीट कर दूं, ठीक है। सिंपल फंडा ये था दोस्तों, एक तो जैसे हब डिवाइस हमारे पास क्या होती है, स्विच डिवाइस हमारे पास क्या होती है, लैन केबल हम किसको बोलते हैं यहाँ पे, निक क्या होता है या फिर लैन कार्ड हम किसको बोलते हैं, ठीक है। आईपी वी फोर क्या होता है हमारे पास, हाँ वी फोर और एन आईपी वी सिक्स राइट, और मैक एड्रेस क्या होता है, ठीक है। देन क्लासेस के टाइप कितने होते हैं हमारे पास, ठीक है, क्लासेस टाइप्स, और क्लास का दोस्तों रेंज क्या होता है, डन। एंड प्राइवेट आईपी रेंज क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क राइट। एंड हाउ वी कैन टेस्ट, हाउ वी कैन वेरीफाई द आई पीस, हाँ मतलब आई पी वेरीफाई हम कैसे करते हैं, मतलब मशीन पिंग होगा कि नहीं होगा, ये आई पी सही है गलत है क्या है। कल ये हमने काफी अच्छा अच्छे लेवल पे यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक चला था, एक तो मशीन में होस्ट नेम क्या होता है, आई पी क्या होता है, सबनेट क्या होता है। मैंने बोला ये तीन चीज डाल दो मशीन में काफी होते हैं, होस्ट नेम आई पी सबनेट। लेकिन मैंने आपको दो चीज का मैंने ऑप्शन एक दिया था आपको, क्या कि भाई गेटवे तब डालोगे आप जब किसी के द्वारा आपको गुजरना है, जब आपको राउटर कोई आपको है नहीं, मॉडेम कोई गेटवे आपको है नहीं, तो आप सिंपल आईपी सबनेट डाल के अपना काम कर सकते हैं आप। क्यों, अगर सेम स्विच में और सेम नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, सेम आईपी सेम क्लास आप यूज कर रहे हैं, तो मतलब आईपी सेम नहीं हो सकता, मतलब सेम रेंज का आईपी और सेम नेटवर्क यूज कर रहे हैं आप, तो मशीन सिंपल पिंग हो जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता आपको। लेकिन मैंने कल आपको एक बात बोली, क्या मशीन हमारे नाम से पिंग नहीं होते, नाम से पिंग कराने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ईटीसी होस्ट फाइल में हम लोकल लोकल एंट्री कर लें, या किसी डीएनएस सर्वर से मशीन को क्या कर लें दोस्तों, कनेक्टिविटी कर लें। तो डीएनएस मैंने दो टाइप के बताए कल आपको, एक प्राइमरी डीएनएस होता है हमारा, और दोस्तों एक हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी डीएनएस। हाँ अब कई लोग इसको पता है ऐसे भी बोलते हैं कि ये हमारा मास्टर डीएनएस सर्वर है, मास्टर डीएनएस, और दोस्तों ये हमारे पास क्या होता है, स्लेव डीएनएस, ठीक है। तो अभी मैं आपसे एक बात बोलूं, तो इन नीचे वाली तीन चीजों को आप होल्ड पे डाल दो भी आप, तो घर पे अगर आपको सिंपल नेटवर्क रेडी करना है, घर पे अगर आपको सिंपल नेटवर्क बनाना है और आपको ऐसा फील करना है कि लो जी ये मेरी दो मशीन है जिनके बीच में मैं बड़े प्यार से प्रैक्टिकल कर सकता हूँ नेटवर्किंग वाले, तो वो कैसे बनाओगे सेटअप, आप पहले वो डायग्राम समझो मेरा ध्यान से। यहाँ पे देखो सिंपल फंडा, घर पे आपको ये लेके चलना है दोस्तों, एक रेल 8 का या रेल 7 का आप मशीन नंबर एक 1 रेडी करिए, ठीक है, ओएस रेडी करिए बस, उसमें आप आईपी डाल दो। मान लो आपने आईपी डाला 192.168.0.10, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सबनेट डाला दोस्तों मैंने क्या, अच्छा कल मैंने आपसे एक बात बोली थी याद करो, क्या सबनेट इसका क्या बनेगा, 255.255.255.0। अब मान लो मुझे मशीन का नाम रखना है, तो मशीन नेम मैंने क्या रखा है यहाँ पे, देखो दोस्तों मशीन नेम मैंने रखा है यहाँ पे क्या, मान लो मैंने ले लिया मशीन का नाम स्टेशन 10.example.com, जैसे मेरा आईपी 10 है ना, तो ऐसा मैंने मान लिया कि चलो मेरा ये स्टेशन 10 है हमारा, ठीक है स्टेशन 10। मैंने कल दोबारा भी बोल रहा हूँ आपको, ये नाम ऐसा लोगे कोई जरूरी नहीं है, मैंने आपको बोला कि डोमेन कुछ भी मान लो, अभी आप कुछ आपका है तो नहीं, आपका डोमेन को रजिस्टर्ड यहाँ पे, तो कुछ भी एफ क्यू डी एन फॉर्मेट आपको लेके चल रहा है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम राइट। तो ये मशीन नंबर 1 है दोस्तों हमारा। सेम आप क्या करिए, एक मशीन आप दोबारा से फिर रेडी करिए, जिसमें आप क्या करोगे, देखो ये दोस्तों मेरा मशीन 2 हो गया मान लो, अच्छा मैं इस पे आईपी 20 मान के चल रहा हूँ। अच्छा कल मैंने आपको एक बात बोली आपको याद है, जैसे इसका होस्ट नेम 20 ले लो, मैंने कल आपको एक बात बोली थी क्या, कि अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं तो बात क्या है, हाँ भाइयों
ये बात बराबर है ना, सेम ही है बराबर है सबके सर, लिए। क्लासिक का है उसको। सेम। अगर मैंने यहाँ आपको कल बोला था कि आप इसको ऐसे लिख दो, तो बात एकदम दोस्तों क्या है, बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको दोस्तों याद रखना है। तो घर पे ना आप ये जरा फोटो लेके रख लो, आप जो घर पे लैब रेडी करने जा रहे हो अपनी लोकल लैब, आप दोस्तों सिंपल ये वाली लैब रेडी करोगे आप, और पूरा कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जितने भी कोर्स में टॉपिक होते हैं वो विद इन दिस लैब कॉन्फ़िगरेशन आपके सारा कोर्स खत्म हो जाता है आपका। लोग पता नहीं क्यों परेशान रहते हैं, लोगों को पता है घर पे क्या लगता है कि यार पता नहीं घर पे मशीन कैसे बनेंगी, नेटवर्क कैसे बनेगा, नेटवर्क वाले प्रैक्टिकल कैसे होंगे, सर्वर क्लाइंट कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा हमारे। तो भाई मैंने आपको कल पहले पहले सबसे क्लास में क्या बोला आपको, जब रेलेट आप इंस्टॉल करते हैं तो मैंने क्या बोला था आपको, ना वो सर्वर होता ना वो क्लाइंट होता, सिंपल दो वीएम होती है, मशीन होती है वो। तो एक ओएस डालो यहाँ पे, एक ओएस यहाँ पे डालो। अब आप पूछोगे इसमें सर्वर कौन है क्लाइंट कौन है, कोई सर्वर नहीं कोई क्लाइंट नहीं इसके अंदर, ये सिंपल एक मशीन है और ये हमारी मशीन है। अब इसमें एक आईपी डाल दो, एक होस्ट नेम डाल दो, एक इसमें आईपी डाल दो, होस्ट नेम डाल दो, दोनों को पिंग करा लो आपस में। जैसे पिंग हो गए, अब आपकी मर्जी है क्या कि मुझे इस वाली मशीन पे सर्वर बनाना है, तो दोस्तों ये सर्वर की तरह रिएक्ट करेगा, इस पे क्लाइंट प्रैक्टिस करनी है तो क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा मान लो आपका मन चेंज हो गया, नहीं मुझे इस पे सर्वर बनाना है, इस पे क्लाइंट बनाना है, तो मैंने यही तो बोला आपको। तो आप घर पे सिंपल ऐसे समझो, देखो डायग्राम आपका ये बन के आ रहा है, घर पे आपका डायग्राम देखो ये है दोस्तों। ये मान लो आपका विंडोज चल रहा है, विंडोज के ऊपर आपने डाला हुआ है वीएमवेयर, मान लो देखो ये, और ये आपने क्या किया घर पे, आपने ये दो वीएम बनाई, आपने एक वीएम और लो जी आपका ये दूसरा वीएम, ध्यान देना प्लीज। अब आपको क्या करना है, इस मशीन को इससे पिंग कराना है दोस्तों, और सेम आपको क्या करना है, ये इसको ऐसे इससे पिंग कराना है आपको, ठीक है। तो ये दो वीएम हो गई आपकी। अब ऐसे मान लो ये मेरा एक वीएम वन, और ये मेरे पास दोस्तों यहाँ पे क्या है वीएम वीएम टू, ठीक है। हमने क्या किया, मशीन वन पे ये सेटिंग कर दी, मशीन टू पे ये सेटिंग कर दी, तो क्या होगा पता है, बैकएंड में ऑटोमेटिक यहाँ पे एक पता है वर्चुअली स्विच बन जाती है अपने आप से इस तरीके से। तो आप ऐसे समझो जो इसका लैन कार्ड केबल वो यहाँ कनेक्ट हो जाता है अपने आप, और ये केबल हमारा यहाँ कनेक्ट हो जाता है। तो अब बताओ ये दोनों मशीन जब हमारी एक स्विच में लगी हुई है और लैन केबल कनेक्टेड है और लैन कार्ड में यहाँ पे लाइट आ रही है, बिलिंग कर रही है लाइट, तो कहीं ना कहीं दोनों मशीन में हम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब कल मैंने आपसे एक बात और बोली थी, याद करो क्या, कि एक मशीन में आईपी डालने के दो तरीके होते हैं, या तो डीएससीपी सर्वर से आईपी ले लो या मैनुअल आईपी डालो। देखो हर मशीन कोशिश करती है पता क्या, पहला ऑप्शन क्या होता है मशीन के पास कि वो डीएससीपी सर्वर से आईपी ले ले, और जब डीएससीपी सर्वर नहीं होता तो मना कर देगा, मतलब ट्राई वहीं से करेगा वो। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं डीएससीपी से आईपी ले लूं मशीन में, या दोस्तों मैं मैनुअल कॉन्फिगरेशन करूं। तो आप सोचो घर पे कोई डीएससीपी सर्वर है आपके पास, नहीं है ना, तो आप कौन सा आईपी डालना पसंद करोगे, मैनुअल ना। तो ये मैनुअल का एग्जाम्पल तो बन गया ये वाला जो आपके सामने लिखा हुआ है, समझ में आ गया। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैंने घर पे डीएससीपी से आईपी ले पा रहा हूँ, पता है क्यों ले पा रहे हैं वो लोग, आपने घर पे अगर अपना वाईफाई ऑन कर रखा है दोस्तों, वाईफाई ये आपका वाईफाई ऑन है यहाँ पे, और यहाँ तुम अपनी वीएम बनाने जा रहे हैं, और वीएम में आपको याद है आप जब नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं नेटवर्क, तो वहाँ ब्रिज का ऑप्शन आता है ब्रिज नेटवर्क, तो आपने ब्रिज नेटवर्क लिया, तो ये पता है वाईफाई क्या करेगा, अपने आप से एक आईपी दे देगा आपके इस वाले वीएम को, ठीक। जैसे अभी मेरा एग्जाम्पल ले लो, देखो ये देखो यहाँ मेरा वाईफाई अभी ऑन है नीचे, और अगर मैं ऊपर वीएम पे इंटरनेट चलाना चाहता हूँ तो चल जाएगा, और जो इंटरनेट से आईपी आएगा ना दोस्तों ये डीएससीपी वाला, वो इंटरनेट की रेंज का ही आएगा पैसे मान लो, तो अपने आप मेरा नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा वीएम के अंदर। मैं वो भी चला के दिखाऊंगा आज आपको, बट एक बात सुनो, जो आईपी आ रहा है मान लो मुझे चाहिए नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी है जी, तो आप मैनुअल कर सकते हो, डीएससीपी से करना चाहो तो डीएससीपी से कर सकते हो। लेकिन घर पे अगर आपको डीएससीपी की प्रैक्टिस करनी है तो आपको वाईफाई पहले बॉटम मशीन में आपको ऑन करना पड़ेगा दोस्तों, वाईफाई ऑन होगा तो ऊपर आप डीएससीपी प्रैक्टिस कर पाएंगे, नहीं तो आप मैनुअल मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करके नेटवर्क प्रैक्टिस आप कर सकते हैं बड़े प्यार से आप, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें से एक काम कर लो, किसी बच्चे को अगर ये फोटो लेके रखना है तो ये पूरा एक डायग्राम है आपके सामने दोस्तों जो आपको रेडी करना है घर पे, ये पूरा डायग्राम दोस्तों आपको रेडी करना है घर पे, ठीक है। चाहो तो इसको आप डायग्राम को आप फोटो लेके ग्रुप में शेयर कर दो, तो ये पूरा पिक्चर बनेगा आपके सामने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आगे ना। अब हमारा टॉपिक ये है दोस्तों आगे कि हम घर पे लैब कैसे रेडी करें। तो कल कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर मेरे लैपटॉप में मान लो 4 GB RAM है, 4 GB RAM मेरे लैपटॉप में है और मुझे ऊपर लैब रेडी करनी है। तो सर ऑलरेडी मैंने एक मशीन बना रखी है जिसको मैंने 1 GB RAM दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है जी, एक मशीन और बना दो,
1 GB रैम उसको दे दो आप, कितने जीबी हो गया, 2 GB हो गया, अभी भी विंडोज के ऊपर आपका 2 GB रैम यहाँ दोस्तों बचा हुआ है आपका, ठीक है। चलो अब आप ऐसे समझो, जिस तरीके से घर पे मैंने आपको यहां से एक क्रिएट लैब आपको करना सिखाया था, आपको याद करो वही स्टेप सेम फॉलो करोगे आप, मैं आपको दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। क्रिएट न्यू वीएम पे जाके आप एक वीएम और बनाओगे, तो देखो ऐसे समझो आप, जैसे घर पे मान लो आपका एक मशीन ये वाला रेडी है, वैसे देखो मैंने मशीन 2 रेडी कर रखा है। अच्छा मैंने देखो यहाँ पे दोस्तों स्नैपशॉट दे रखे हैं, देखो ये मेरा फ्रेश मशीन का स्नैपशॉट है और ये देखो मेरा फ्रेश मशीन 1 का स्नैपशॉट है। इससे फायदा क्या होता है, जैसे हमने क्या किया एक बार मशीन इंस्टॉल करके ना दोनों का मैंने स्नैपशॉट लेके रख लिया है। इससे फायदा दोस्तों ये होगा, अब मैं प्रैक्टिस करते जा रहा हूँ उस पर, मान लो अब जब मेरा नेटवर्क रेडी हो जाएगा ना तो एक स्नैपशॉट तब ले लेंगे हम लोग। जैसे मान लो कभी मुझे प्रैक्टिकल करना है नेटवर्क के साथ, दोनों मशीन नेटवर्क रेडी मिला करे मुझे, तुम स्नैपशॉट दूसरा वाला ऑन कर लेंगे, और जब हमें फ्रेश पोजीशन पे ऑन करना है तो फ्रेश पोजीशन ऑन कर लीजिए आप, तो स्नैपशॉट का देखो ये फायदा है आपके सामने। चलो फिलहाल अभी एक बात करता हूँ मैं आपसे, क्या नेटवर्क का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप ये देखो मेरे पास 2 VM है अभी, है यस और नो, है जी 2 VM मेरे पास बना हुआ है, एक और ये 2। अब ये देखो ध्यान से, इन दोनों VM के अंदर कोई नेटवर्क आ रहा है क्या, ये देखो ये यहां से देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे ये देखो लैन कार्ड यहाँ पे आ रहा है और इसमें देखो लाइट ब्लिंक कर रही है आपकी, ये लाइट ब्लिंक कर रही है यहाँ पे, दैट मीन्स ओके है। लेकिन बस आप इसमें ये देख लो, इस पे कर्सर ले जाके कि यार इसका टाइप क्या है, देखो इसका टाइप दोस्तों ब्रिज है, अच्छी बात है। सेम मशीन 2 पे आओ और यहाँ पे भी ये देखो इसका टाइप ब्रिज है और देखो यहाँ पे एक लैन कार्ड ब्लिंक कर रहा है हमारा, दैट मीन्स ठीक है। आप ऐसे समझो कि हमारी मशीन 2 रेडी है यहाँ पे और दोनों मशीनों के बीच में प्रैक्टिस करनी है मुझे, ठीक है। अब दोस्तों एक कुछ चेंजेस हुए हैं रेल 6 में, मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम याद करो जब मैं सिस्टम सीटीएल वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, कि मेजर कोर्स में 4 चैप्टर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं और ये थोड़े समझने पड़ेंगे आपको दोस्तों। एक चेंज हमने पढ़ा था सिस्टम सीटीएल वाला, एक हमने रन लेवल एंड टारगेट का पढ़ा था, अभी एक तीसरा नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है, नेटवर्किंग सब कुछ सेम है, सिर्फ आईपी असाइन करने वाली और होस्ट नेम सेट करने वाली कमांड चेंज हुई है, चेंज नहीं है वो, आपको नया कॉन्सेप्ट है वो सीखना पड़ेगा आपको। देखो एक टेबल बना के दे रहा हूं दोस्तों मैं आपके लिए, ठीक है समझो यहां पे। दोस्तों टिल RHEL 6 हम लोग नेटवर्क बनाने की क्या क्या कमांड यूज करते थे जरा वो देख लो जरा एक बार आप लोग, और अभी इन रेल 7 में और रेल 8 में क्या चेंज आया है जरा वो भी देखिए ध्यान से आप। रेल 7 प्लस 8 आपका ना, देखो ध्यान से बात आपको ये समझनी पड़ेगी यहाँ पे क्या, कि कोई अगर आपसे पूछे कि रेल 6 में आप आईपी कैसे चेक करते हो मशीन में, सीधे बोलो सर इफ कॉन्फिग कमांड होती है। यहाँ पे कमांड चेंज हुआ है क्या, नहीं, यहाँ भी कमांड दोस्तों सेम है आपका इफ कॉन्फिग, ठीक है। नाउ मैं लिख देता हूं यहाँ पे टू चेक सिस्टम आईपी, डन। दोस्तों अब एक जरा बात सुनो, होस्ट नेम कैसे चेक करते हैं हम लोग, होस्ट नेम की दोस्तों होस्ट नेम कमांड होती है। यहां पे दोस्तों अब हमारे पास 2 कमांड है, एक होस्ट नेम कमांड है एंड एक अभी दोस्तों मेरे पास लेटेस्ट कमांड आ गया यहाँ पे क्या, जिसका नाम है होस्ट नेम CTL। ये देखो होस्ट नेम CTL, तो इन दोनों में से कोई भी आपको दोस्तों अच्छा लगे वो आप कमांड चला सकते हैं। ये कमांड आपका न्यू है, आपका न्यू इन RHEL 7 प्लस 8, हाँ डन। अब दोस्तों एक आगे बात सुनो, बात ये सुनो, होस्ट नेम परमानेंट फाइल, या अब इसको थोड़ा सही से लिख दो आप इसको, परमानेंट फाइल ऑफ होस्ट नेम। दोस्तों ये आपको याद करना पड़ेगा, पहले हम लोग क्या करते थे ETC के अंदर सिस कॉन्फिग के अंदर नेटवर्क नाम की फाइल में अपना मशीन का नाम सेट किया करते थे हम लोग परमानेंटली, ठीक है। लेकिन अभी दोस्तों एक चक्कर पड़ गया यहाँ पे क्या, कि अभी यहाँ पे ये चीज अभी दोस्तों चेंज हो गई है। आप ऐसे समझो ये यहाँ पे अभी क्या हो गया है,
चेंज हो गया, देखो कैसे। यहां पे दोस्तों अभी इसका फाइल का नाम हो गया है कैट ईटीसी होस्टनेम, ये आप याद कर लीजिए, ये यहाँ पे होस्टनेम हो गया और वहां पे ईटीसी सिसकॉन्फिग आपका क्या था दोस्तों, नेटवर्क था आपका, ठीक है। अब एक नई बात सुनो, जब हम आईपी डालने जाते हैं, आईपी डालते टाइम हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे मशीन में इंटरफेस का नाम क्या है, इंटरफेस नेम या लैन कार्ड नेम या निक नेम। दोस्तों ये आपको याद करना पड़ेगा कि रेल 6 में डिफॉल्ट नेम क्या होता था लैन कार्ड का, ठीक है। सुनिए ध्यान से, मैंने कल भी आपको बोला कि हमारे मशीन में एक तो लूपबैक होगा एलओ, तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, लूपबैक, तो ये तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। और इसका आईपी आपको पता है 127.0.0.1 होता है, ये डिफॉल्ट है। लेकिन दोस्तों जो हमारा एक्चुअल इंटरफेस होता था ना, वो होता था ETH 0 के नाम से, जैसे ETH 0, ETH 1, ETH 2। दोस्तों ये सीरीज हमारी स्टैंडर्ड फॉलो होती थी किसके अंदर, रेल 6 के अंदर। अब एक दोस्तों यहाँ पे लफड़ा हो गया, पता है यहाँ पे क्या, सुनिए ध्यान से, लफड़ा दोस्तों यहाँ पे ये हो गया है कि अब जब हम रेल 7 में बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सा चेंज आ गया यहाँ पे। सुनिए क्या चेंज अब ये आ गया है, देखो यहाँ पे जो डिफॉल्ट नेम आपको दिखाई देंगे ना लैन कार्ड के, सुनिए ध्यान से, लूपबैक का नाम आपको अभी भी सेम दिखाई देगा दोस्तों, ये वाला नाम जो है ना आपको, ये वाला, ये नाम आपको अभी भी यहाँ पे दोस्तों सेम दिखेगा आपको, ये देखो, हाँ ये एलओ के नाम से आपको दिखेगा। लेकिन दोस्तों ये जो नाम है ना हमारे सामने ETH 0, ETH 1, ये ऐसे मान लो अब EN करके सीरीज आती है, EN ना, तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, चलो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये रेल 8 चल रहा है अभी आपके सामने, और आपको चेक करना है मेरे लैन कार्ड का नाम क्या है। ये देखो दोस्तों मैंने आपके सामने क्या किया, एक कमांड चलाई इफ कॉन्फिग, ये देखो लूपबैक वाले का नाम अभी भी लूपबैक है और 127.0.0.1 इस पे आईपी असाइंड है, लेकिन देखो इस पे कोई आईपी असाइंड नहीं है, पता क्यों, क्योंकि इसने कोशिश किया होगा डीएससीपी से आईपी लेने का, इसको नहीं मिल पाया, क्योंकि शायद या तो मैंने वाईफाई बंद कर रखा होगा या मेरे पास डीएससीपी सर्वर कोई है नहीं। तो कह रहा है आपके लैन कार्ड का नाम ये आ रहा है जी, ENS 33 आ रहा है, ठीक है। सेम देखो यहाँ पे, देखो मशीन नंबर 2 में, मशीन नंबर 2 में देखो कि आपके लैन कार्ड का नाम क्या है, यहाँ भी देखो आपका क्या आ रहा है, ENS 160 आ रहा है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये याद मत करना, आप ऐसे समझो EN सीरीज में आएगा, लेकिन ये लैन कार्ड का नाम यहाँ कुछ भी हो सकता है दोस्तों आपके सामने, तो आप ऐसे समझ लो क्या, जैसे आपको यहाँ पे ENS या तो दोस्तों ऐसे मिलेगा या ENS 160, मतलब कोई भी नाम ऐसे आपको मिलेंगे आपको, ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा। तो प्लीज आप इसको याद मत करिए, आप ऐसे समझो कि आप, हमें जब आईपी डालनी होती है ना तो हमें इस बात से मतलब नहीं होता, हमको मतलब इस बात से होना चाहिए कि भाई हमें डालना है आईपी, तो आईपी डालते टाइम लैन कार्ड का नाम क्या है, बस वो लैन कार्ड का नाम पिक करना है हमको, ठीक है। अब दोस्तों एक चक्कर पड़ गया, लेकिन क्या पहले क्या होता था, रेल 6 की बात करने जा रहा हूं मैं आपसे, रेल 6 में क्या था, आईपी डालने की जो कमांड थी दोस्तों, सुनो ध्यान से, पहले दोस्तों कमांड थी सेटअप, सेटअप कमांड से हम आईपी दोस्तों चेंज किया करते थे। अब दोस्तों यहां पे देखो, एक पहले तो एक बात सुनो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यहां पे टाइप्स ऑफ आईपी चेंजिंग मेथड, दोस्तों दो तरीके मेरे पास, या तो मैं इसको कमांड लाइन से कर दूं या मैं इसको फाइल मेथड से कर दूं, ध्यान दो बात पे। तो कमांड लाइन के लिए हम लोग यहां पे यूज करते थे दोस्तों सेटअप कमांड, सेटअप। फाइल का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से, अच्छा ऐसा हो सकता है कभी आप अंदाजा लगाओ कि जब सेटअप कमांड से आप आईपी सेट करोगे तो किसी फाइल में जाके सेव नहीं होगी पक्का, वो कहीं तो सेव होती है चीज हमारी इन्फॉर्मेशन लिनक्स के अंदर, जब हम कमांड चलाते हैं कॉन्फिग तो वो आउटपुट वहीं से फेच करके देगी ना आपको, तो ऐसे समझो सेटअप कमांड आईपी किसी फाइल में सेव करता होगा, तो हम उस फाइल में जाके आईपी सीधे लिख के चले आए बाहर, तो बात बराबर है। सुनिए ध्यान से, वो फाइल का पाथ क्या होता है वो याद करिए, फाइल का पाथ क्या है, कैट ईटीसी सिस कॉन्फिग नेटवर्क -
देखो नेटवर्क हाइफन दोस्तों क्या है यहाँ पे स्क्रिप्ट्स हैं, एक सेकंड दोस्तों, फाइल का जो पाथ है ना वो चाहे 7 हो चाहे 8 हो आपका दोनों में सेम है, तो थोड़ा मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ आपके सामने, ये दोनों में सेम है आपका, आप ऐसे समझो फाइल का पाथ जो कि ये है कैट ईटीसी सिसकॉन्फिग नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट स्लैश इफ सीएफजी। दोस्तों यहां तक आप याद करना पड़ेगा आपको कि ईटीसी के अंदर सिसकॉन्फिग नाम का फोल्डर होता है, इसमें नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है, और इसके अंदर इफ सीएफजी हाइफन। दोस्तों रेल 6 वाले बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर फाइल का नाम यहाँ पे ETA 0 होता था पहले, प्लीज इसको याद मत करिए आप। आप ऐसे समझो यहाँ पे जब आप रेल 7 में फाइल चेक करोगे ना तो पता है यहाँ फाइल का नाम क्या मिलेगा आपको, डिफॉल्ट यहाँ पे फाइल का नाम मिलेगा आपको इफ सीएफजी हाइफन ENS 33 और यू कैन से ENS 160। मेरी बात समझने वाले समझ गए होंगे इसका मतलब। देखो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, मैं सिंपल आपसे दोस्तों ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप इसमें सिर्फ इतना समझो यहाँ पे कि ये जो फाइल का प्लेस है ना, ये दोस्तों ये प्लेस, एक सेकेंड, हाँ ओहो, देखो आप इसको दोस्तों ऐसे याद कर लो प्लीज जरा एक बार आप यहाँ पे, देखो तो सिंपल इसको ऐसे याद करो कि यार इसका मतलब ये है कि सेटअप कमांड क्या करता होगा, जो लैन कार्ड का नाम होता है वो उसी नाम से यहाँ पे देखो फाइल बना देता है। तो 7-8 में भी तो ऐसे ही है, आप ऐसे याद करो बाय डिफॉल्ट OS का नेचर क्या है, जो हमारे लैन कार्ड का नाम होता है वो फाइल उसी नाम से बन जाती है। कैसे, इफ सीएफजी नाम कॉमन होगा और देखो फाइल का नाम यहाँ पे आ जाएगा अपने आप से, तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों नेचर क्या, सुनिए ध्यान से, जो लैन कार्ड का नाम होता है उसी नाम से फाइल बन जाती है, ठीक है। अब हमारे पास दो चॉइस हैं, दो चॉइस, लेकिन दोस्तों दो चॉइस पता क्या है, मैं या तो फाइल में जाके डायरेक्टली आईपी सेट कर दूं या मैं कमांड लाइन से आईपी सेट करूं। लेकिन अब आपको एक नई चीज सीखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या यहाँ पे जो आईपी चेंज करने का तरीका है दोस्तों आपके सामने, अब वो सुनिए यहाँ पे, यहाँ भी मेरे पास दो तरीके हैं दोस्तों। अगर मुझे कमांड लाइन से आईपी सेट करना है, कमांड लाइन से दोस्तों मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो NMCLI और एक मेरे पास होता है NMTUI, ये आपको याद करना पड़ेगा प्लीज, NMTUI ध्यान दो प्लीज, NMCLI या NMTUI। और दूसरा मेरे पास दोस्तों मेथड क्या है, फाइल बेस्ड। तो सिंपल याद करो फाइल दोनों में सेम होती है, यहां भी सेम है यहां भी सेम है, लेकिन जब आप एक बात सुन लो बस यहाँ पे, क्या NMCLI से जब आईपी डालते हैं तो NMCLI में आपको बताना पड़ता है क्या कि कनेक्शन नेम आपको क्या लेना है, कनेक्शन नेम क्या लेना है आपको और आपका इफ नेम क्या है। एक बात बोलूं दोस्तों मैं आपको, कनेक्शन नेम हम फाइल के नाम को बोलते हैं कि फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं आप और लैन कार्ड का नाम क्या है, सुनिए ध्यान से। तो इफ नेम तो आपको वही लेना पड़ेगा जो आपको मशीन में दिख रहा है आपको, लेकिन कनेक्शन नेम आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे आपकी चॉइस है। एक बात बोलूं आपको, दोबारा सुनिए, आप ये मत याद करिए कि जो लैन कार्ड का नाम होता है फाइल उसी के नाम से होनी चाहिए, नहीं, फाइल का नाम यहाँ पे तुम कुछ भी रख दो। मान लो तुमने फाइल का नाम लिया XYZ, तो पता है फाइल किस नाम से बनेगी आपकी, इफ सीएफजी हाइफन XYZ के नाम से बनेगी, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। दोबारा मेरी बात सुनिए, रेल 7 में यही कंफ्यूजन है, लोग ये कमांड में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कमांड में दो चीज पूछता है NMCLI के अंदर, क्या, कनेक्शन नेम और एक इफ नेम। तो यार इफ नेम में तो आपके इंटरफेस का नाम आएगा जिसपे आईपी डालने जा रहे हैं आप, लेकिन कनेक्शन नेम में क्या आएगा, कनेक्शन नेम में दो चॉइस हैं, या तो जो लैन कार्ड का नाम है सेम कनेक्शन नेम ले लो तो उसी नाम से फाइल बना देगा, बट अगर आपने कनेक्शन नेम और कुछ ले लिया है तो फाइल उस नाम से बन जाएगी, लेकिन आईपी तो लैन कार्ड पे पड़ेगी ना, याद हो गया दोस्तों। प्लीज जरा अनम्यूट करो आप में से कोई एक बच्चा, मुझे अनम्यूट करो आप में जल्दी एक बच्चा कोई भी आप में से। यस सर, क्या बोला मैंने आपको, समझ में आई बात आपको? यस सर, समझ में आ गई सर। सीधी बात दोबारा सुन लीजिए, सेटअप कमांड का नेचर ये था कि जो लैन कार्ड का नाम है वो अपने आप से फाइल का नाम खुद रख लेगा, आपको बताना नहीं पड़ता था वहां पे, तो अपने आप फाइल बन जाती थी, है आईपी सेव हो जाता था। सर,
या फिर आप सीधे फाइल में जाके आईपी चेंज कर दो, बात बराबर है। तो फाइल में आईपी यहाँ भी चेंज हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फाइल का नाम ऐसा क्यों होता है। सुनिए ध्यान से, NMCLI कमांड ये कहता है, नेटवर्क मैनेजर बोलते हैं इसको, कमांड लाइन इंटरफेस, नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन इंटरफेस, इसको बोलते हैं नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। सिंपल भाषा मेरी समझो, यहाँ पे क्या NMCLI कहता है, दो चीज बताओ मुझे, क्या दो चीज मुझे ये बताओ, एक तो कनेक्शन नेम क्या लेना है आपको, और एक इफ नेम क्या है। सुनिए ध्यान से, अगर आपने इफ नेम दिया ENS 160, तो आपकी चॉइस है, आप चाहे तो कनेक्शन नेम भी क्या ले सकते हैं आप, ENS 160, या आपने नाम दिया XYZ। अब बताओ मुझे क्या होगा, अगर आपने नाम ये ले लिया तो फाइल किस नाम से बनेगी, यहाँ पे इसी नाम से बन जाएगी, इसी नाम से बन जाएगी। और XYZ ले लिया तो मतलब क्या है, यहाँ जो फाइल पड़ी है वो डिलीट हो जाएगी, लेकिन फाइल डिलीट होने से लैंड कार्ड तो डिलीट होता है, तो लैंड कार्ड की फाइल दोबारा बन जाती है। देखो दोबारा सुन लो, एक लैंड कार्ड की फाइल आप 10 बार डिलीट करो, 10 बार दोबारा बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कनेक्शन जब चाहे आप डिलीट कर सकते हैं, जब चाहे तब क्या कर सकते हैं आप, बना सकते हैं आप, ठीक है, बना सकते हैं। सिंपल भाषा में, हाँ सर, सिंपल यही है ना कि बस हमें इसे रिनेम करना है, अगर हम रिनेम करना चाहते हैं तो रिनेम कर सकते हैं, हाँ अपने समझने के लिए। या बिल्कुल सही बात। और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं कि मुझे तो यार जो लैंड कार्ड का नाम है वही मुझे फाइल का नाम यूज करना है, कोई टेंशन नहीं पालनी फालतू की मुझे, तो फिर आपके पास एक सिंगल चॉइस है, क्या कि आप क्या करें फिर, जो आपके लैंड कार्ड का नाम है ना, रिकमेंडेड, पता क्या है रिकमेंडेड, क्या बताऊं आपको मैं, रिकमेंडेड ये होता है कि यार जो तुम्हारे लैंड कार्ड का नाम है ना वही आप फाइल का नाम ले लो, जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात फिर और समझाने वाली है यहाँ पे, ताकि कोई बच्चा ये ना याद कर ले कि यार लैंड कार्ड का नाम जो होता है वो फाइल का नाम सेम होना चाहिए। नहीं, आपको समझाना ये चाहिए भैया कि आप नाम कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, तो आपके पास दो चॉइस है, या तो जो लैंड कार्ड का नाम है वही फाइल का नाम ले लो आप, अदरवाइज आप फाइल का नाम कुछ भी रख लो, आप लैंड कार्ड का नाम सही होना चाहिए बस आपका, ठीक है। अब देखो मैं कैसे काम करने जा रहा हूँ आपके सामने, देखो ध्यान से, यहाँ पे दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ बात मेरी, अगेन सुन लो, यहाँ पे NMCLI कमांड में आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, सुनो दोबारा ध्यान से, एक पहला ऑप्शन ये और दूसरा ऑप्शन ये। देखो, एक आपसे पूछेगा कनेक्शन नेम आपका क्या है, कौन नेम, एक बोलेगा इफ नेम। तो इफ नेम तो वही दोगे आप जो इफ कॉन्फ़िग में दिख रहा है आपको, मान लो मुझे दिख रहा है ENS 3, तो मैं यही दूंगा। कनेक्शन नेम मेरी चॉइस है, क्या चॉइस है यहाँ पे, चॉइस क्या है यहाँ पे, कि आप या तो ENS 3 ले लो या फिर आप कुछ भी ले लो यहाँ पे। तो जो नाम लोगे उसी नाम से क्या बनेगी आपकी, अब देखो यहाँ पे फाइल किस नाम से बनेगी, ETC sysconfig /ifcfg-ens3 और ifcfg-xyz। अब आपको समझ में आ गई बात आपको, अच्छा एक बात बताओ, मैंने कमांड चलाई आपकी मशीन में NMCLI कनेक्शन शो, ये कमांड आपको क्या बताएगा कि आपके मशीन में लैंड कार्ड कितने हैं और लैंड कार्ड की फाइल किस किस नाम से बनी हुई है। अब मान लो मैंने क्या किया, NMCLI ध्यान देना प्लीज, कनेक्शन मैंने डिलीट मार दिया XY या ENS 3 को, इसका मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए, दोबारा बना दो NMCLI कनेक्शन एड कर दो, ठीक है, और कनेक्शन नेम ये ले लो। और तो इसका मतलब क्या समझ में आना चाहिए आपको, इसका मतलब हम जब फाइल को डिलीट करते हैं तो दो तरीके मेरे पास, या तो मैं RM कमांड से, ध्यान देना प्लीज, अरे RM कमांड से मैं ये पाथ बता दूं इसको ऐसे, जो भी सेटिंग हो रखी है उसको डिलीट मारो, नया बनाओ। तो दो तरीके हैं, या तो RM कमांड से इस फाइल को यहाँ से उड़ा दो आप, या कनेक्शन डिलीट इसको उड़ा दो, बात क्या है, बराबर है, सेम है। अब देखो टॉपिक कैसे काम करता है ये वाला, पहले मैं मशीन नंबर 1 पे हूँ दोस्तों आपके सामने, मशीन नंबर 1 पे देखो स्टेप्स कैसे फॉलो करोगे ना, देखते आना बड़े प्यार से आप, ठीक है। ये देखो 5 मिनट में देखो सारी कमांड याद हो जाएंगी, बस जगह रहना क्लास में,
बहुत लोग कहते हैं पता लिनक्स में नेटवर्क बनाना बहुत टफ होता है, नहीं रट्टा मार रहे होते हैं उसी टफ होता है, समझ में नहीं आता हमारे चीज क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये देखो ध्यान से, अब पहला पॉइंट मेरा सुनो ध्यान से आप लोग, पहला पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, आपने बोला होस्टनेम मेरा क्या है, ये एजी हमारा, ये आपको याद कर लीजिए, जब कोई मशीन बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होती है तो हमेशा उसका नाम लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन होता है दोस्तों, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, यहाँ पे ये नई कमांड चलाओ तो देखो यहाँ भी क्या रहा है आपका होस्टनेम, ये निकल के आ रहा है। अच्छा इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आती है, ये आपको बता रहा है वीएमवेयर पे काम कर रहे हैं आप, ये आरएचएल 8 आपका ओएस है, ये इसका वर्जन है, इसका सब बता रहा है आपको, ठीक है। तो एक कमांड चलाओ सेट हाइफन होस्टनेम, और मैंने कहा जी मुझे नाम रखना है स्टेशन 10.example.com, लो जी सेट हो गया। तो अब जरा चेक करो फाइल में सेव हुआ कि नहीं हुआ, देखो यस, देखो इस कमांड से ऑटोमेटिकली परमानेंट ही सेट हो जाता है, और फाइल में देखो एंट्री हो गई यहाँ पे इसकी, ठीक है हो गई ना दोस्तों, एक लफड़ा हो गया। देखो यहाँ अभी भी लोकल होस्ट ही दिख रहा है लेकिन आपको, तो कैसे आएगा नया वाला होस्ट नेम, एक बार दोस्तों सेशन बंद कर दो, आप रिबूट मत करना, सेशन बंद करना है बस आपको, सेशन दोबारा ऐसे टर्मिनल ओपन कर लीजिए आप लोग, तो देखो आपको यहाँ क्या होगा, नया वाला होस्ट नेम दोस्तों आपको डिस्प्ले हो जाएगा इस तरीके से आपके सामने, डन। अब देखो ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे होस्ट नेम ये आ गया जी आपका, ठीक है दोस्तों। अब दो गुरु मंत्र याद कर लो, क्या आईपी डालने से पहले दो रूल याद करिए, दो रूल कौन से याद करें वो सुनिए, पहले तो अपने लैन कार्ड का नाम पता करो, मेरे लैन कार्ड का नाम क्या है, रटिए मत इसको, आप सीधे बोलो जो भी लैन कार्ड का नाम है मुझे उस पर आईपी डालनी है। दूसरी चीज, इस लैन कार्ड की फाइल किस नाम से बनी हुई है, बोले तो इसका कनेक्शन नेम चेक करो, कनेक्शन नेम चेक करो या फाइल नेम चेक करो, बात बराबर है, ठीक है दोस्तों। तीसरा रूल, अब आपके पास तीन चॉइस है, तीन चॉइस क्या होती है वो सुनिए, या तो इस फाइल को डिलीट करके आप नई प्रोफाइल बना दो, डिलीट करके नया बना दो, या फिर आप इस एग्जिस्टिंग में अगर आईपी गलत पड़ी है या आपको चेंज करनी है तो आप इसे क्या कर दो दोस्तों, आप क्या कर दो भाइयों, मॉडिफाई, अगेन सुनो भैया, या तो डिलीट करके नया ऐड कर दो, दोबारा से बना दो, या फिर बनी बनाई पहली फाइल को मॉडिफाई कर दो। अब कुछ बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर मॉडिफाई करना मत सिखाओ अभी, मुझे तो फ्रेश नेटवर्क बनाना सिखाओ, जैसे मान लो मेरी मशीन में कुछ भी हो रखा है मुझे वो हटाना है और मुझे अपना मन पसंद नेटवर्क बनाना है, तो वो कैसे बनाते हैं, तो एक ही चॉइस है डिलीट करके पहले ऐड करो, और फिर बाद में अगर तुम्हें सीखना है मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। इसका मतलब अब एक बात सुनिए ध्यान से, यहाँ जितना भी काम होगा ना NMCLI के अंदर दोस्तों, कमांड में ऑप्शन देखो ऐसे होते हैं, NMCLI कनेक्शन शो, ध्यान देना प्लीज, कनेक्शन शो, कनेक्शन डिलीट, कनेक्शन ऐड, कनेक्शन मॉडिफाई, सारे ऑप्शन है इसके, कनेक्शन डाउन, कनेक्शन जैसे मान लो आपको आईपी डाउन करनी है फिर आपको अप करनी है, तो ये सारे दोस्तों इसके ऑप्शन है कमांड के, तो रटना मत इनको, दोबारा बोल रहा हूँ। अब देखो पहला रूल मेरा याद करो, पहला रूल मेरा क्या था, मैं चल रहा आईपी डालने, मुझे नहीं पता मैं अननोन बंदा हूँ इस मशीन के लिए, लैन कार्ड का नाम क्या पता करो, कह रहा भैया ENS 33 आपके लैन कार्ड का नाम है, याद कर लो उसको, ये मेरा मैक एड्रेस है, बट इस पर कोई आईपीएस साइन है अभी तक नहीं, लूपबैक पे आईपीएस साइन है, हाँ मेरी तो पहले से होती है वाइट फोर, मैंने आपको बताया था आपको, तो अब मुझे आईपी डालनी है, तो पहले ये चेक करो इस वाले लैन कार्ड की फाइल किस नाम से है। कैसे पता करेंगे, दो तरीके हैं, या तो ऐसे यहाँ पे टैब मारते जाओ आप, पहला तरीका आपको ये बता रहा हूँ, देसी फंडा जो ज्यादा लोग ये वाला फंडा यूज करते हैं, देखो मैंने टैब मारा टैब, तो अपने आप सुन लो ये नाम देखो क्या ले रहा है अपने आप से, यही तो मैंने बोला था आपको है, यस सर। अच्छा इस फाइल में एक चीज नोटिस करो बस, आप इसमें बूट प्रोटोकॉल क्या आ रहा है आपके सामने, देखो DHCP आ रहा है, DHCP आ रहा है सर, इसका मतलब इस मशीन ने कोशिश करी है DHCP से आईपी लेने की बट मिल नहीं पाई आईपी इसको, क्यों, क्योंकि DHCP हमारे पास होगा नहीं होगा तो इसको नहीं मिला आई पी, नहीं सर। अब आपके पास दो चॉइस हैं, या तो RM कमांड से इसको ऐसे डिलीट मार दो, और एल्स क्या कर सकते हैं आप, दूसरा चॉइस क्या है, NMCLI कनेक्शन शो करो, शो करो कनेक्शन शो, यहां से नोटिस करिए आपको राइट में यहाँ ये खाली आ रहा है, देखो डिवाइस नेम आपका, क्योंकि डिवाइस अपनी है हमारी, ये नाम यहाँ पे ENS 33, देखो इससे इसके साथ कोई छिड़खानी मत करना, ये तो ब्रिज नेटवर्क है हमारा, है आप इसको देखो ये नाम हमारा क्या रहा है, नाम
ऐसे देखो देखो ऐसे जब मशीन के सामने बैठे हैं आप, लेफ्ट साइड में जो भी आए वो मशीन का फाइल का नाम होता है, लैन कार्ड की फाइल का नाम होता है, राइट में होता है डिवाइस का नाम। तो राइट वाले से मतलब नहीं, हमको लेफ्ट वाले से मतलब है। जब डिलीट करते हैं तो लेफ्ट वाले को डिलीट मारते हैं हमको, ठीक है। तो अब मैंने बोला एनएम सिलाई कनेक्शन डिलीट मारो, ये गया। तो ये नाम याद नहीं करना आपको, सीधे याद कर लो, यहाँ जो लिखा हुआ वो उठा के यहाँ पे चिपका देना है आपको, ठीक है। अब दोबारा शो करो, हट गया यहाँ से। यस सर। पता है डिलीट होने का मतलब क्या है? वहां जो फाइल है ना आपकी, वो डिलीट हो गई यहाँ से, ठीक है। पक्का? अब मैं आईपी डालना चाहता हूँ कमांड लाइन के द्वारा। फाइल मेथड मुझे अभी यूज नहीं करना, फाइल आपको सिखाऊंगा बाद में, सीधे कमांड से आईपी डालते हैं। NMCLI कमांड है दोस्तों, कनेक्शन नेम बताइए क्या करना चाहते हैं आप। हमने क्या भैया कनेक्शन बनाना, बताओ। चलो कनेक्शन नेम क्या रखना चाहते हैं आप? अच्छा मैं अभी चलो यही लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा याद रहेगा कि जो नाम है वही मैंने फाइल का नाम ले लिया। इफ नेम ले लिया मैंने दोस्तों, क्या ANS33 दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ टैब दोगे ना, टैब ई करके टैब अपने आप उठा लेगा वो, बट यहाँ नहीं उठाएगा। यहाँ आपसे पूछेगा भाई आप ये नाम सेम रखना चाहते हैं या ये अलग रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। टाइप क्या था दोस्तों इसका? देखो यहाँ पे ये इथरनेट टाइप था इसका, ठीक है, इथरनेट। अब इसमें एक चीज आप याद करिए प्लीज, क्या एक इस फाइल में एक पैरामीटर आता है ऑनबूट इक्वल टू यस, ऑनबूट इक्वल टू यस। पता है उसका मतलब क्या होता है? जब जब मशीन रिबूट होके आएगी या हम नेटवर्क अप डाउन करेंगे तो लैन कार्ड हमारा आईपी जो है ना वो डाउन नहीं होगा, अपने आप आ जाना चाहिए। तो आपको दोस्तों सेटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे ऑटो कनेक्ट यस। ऑटो कनेक्ट यस का मतलब होता है कि आफ्टर द रिबूट या कुछ भी मैं करूँ तो मेरा आईपी मुझे मैनुअली अपना करना पड़े, अपने आप से आईपी आप आ जाए करे हमारा, ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछे इंटरव्यूज में कि एक मशीन पे आपने आईपी डाल रखी है पर पता नहीं आफ्टर एवरी रिबूट वो आईपी तुम्हारी गायब हो जाती है, फिर तुम्हें मैनुअली अप करना पड़ता है। तो समझ जाओ फाइल में क्या लिखा हुआ है, ऑनबूट इक्वल टू नो रखा है उसमें, ठीक है। सर वो रिबूट करते ही ऑफ हो जाता है, अपने आप से आईपी गायब हो जाएगी। हाँ वो डेली हो जाता है सर। ये देखो ऑटो कनेक्ट यस करा मैंने यहाँ पे, पूछ रहा है आईपी डालना चाहते हैं आप, मैंने कहा यस। तो आईपी V4 नहीं आएगा पैरामीटर यहाँ पे, आईपी 4 पैरामीटर दोस्तों बस यहाँ पे। अब यहाँ पे आईपी डाल दो आप, जो भी आपने डिसाइड किया है कि भैया मुझे 10 ये वाला आईपी मुझे डालना है। अब देखो कमांड समझो यहाँ पे, ये देखो /24 का मतलब ये हमारा क्या हो गया, सबनेट मास्क। यस। और ये क्या हो गया हमारा आईपी, आईपी एड्रेस, आईपी सबनेट एक बार में डाल दी मैंने, ठीक है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर आपने इसमें गेटवे क्यों नहीं डाला? भाई मैंने आपको मना किया अभी, आपको गेटवे की अभी कोई नीड नहीं है, आपको आप सिंपल नेटवर्क बनाना सीख रहे हैं आप, ठीक है। देखो ये सक्सेसफुली दोस्तों नीचे मैसेज क्या आया, ऐड हो गया, ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पे NMCLI कनेक्शन आप शो करो, समझ गए होंगे आप। देखो लेफ्ट में आना चाहिए, ये नाम आ गया लेफ्ट में, और राइट में देखो डिवाइस नेम यहाँ पे ये आ गया। अरे एक बात बोल रहा हूँ आपको, कैसे पता करते हैं हमारी कमांड सही चली है? अगर अभी भी यहाँ पे -- आ रहा होता ना तो समझ जाओ लैन कार्ड हमारा अपनी आया। अगर ये यहाँ पे इसके साथ एसोसिएट हो गया नाम के साथ, दैट मींस ओके है, कनेक्शन आप है हमारा। कैसे पता करते हैं? इफ इस लैन कार्ड पे अगर मेरा आईपी डिस्प्ले हो गया, देखो आईपी आ गया 010, ये मेरा सबनेट मास्क है, और इस रेंज का सबसे लास्ट आईपी क्या है, कह रहा जहां नेटवर्क हमारा बंद हो जाएगा वो 255 है। देखो यस बता रहा है इसके ऊपर आपको छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। सिंपली सबनेट है आपका और ये तुम्हारा क्या है दोस्तों, आपका आईपी एड्रेस, डन। लेकिन अब एक बात समझने वाली ये है कि यार मेरी फाइल किस नाम से बनी है वहां पे, ये देखो एक बात बताओ मुझे, होस्ट नेम की फाइल तो भैया यहाँ बनती है, इसका मतलब ये समझिए जब होस्ट नेम कमांड चलती है तो यहाँ से आउटपुट लेके आती है वो, तो वैसे जब मैं इफ कॉन्फ़िग कर रहा हूँ तो वो भी तो आउटपुट कहीं से लेके आ रही है ना, तो वो आउटपुट कहाँ से ला रही है, ये देखो सिस कॉन्फ़िग नेटवर्क IFCFG दिस, मैंने एंटर मारा, ध्यान दो टाइप यहाँ पे दोस्तों इथरनेट आ रहा है, ठीक है। बाकी इन सबसे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ ध्यान दो बूट प्रोटोकॉल आपका क्या है, नन, मतलब आपने स्टैटिक आईपी डाला है। एक बात बोलूं मैं आपको दोस्तों, अगर यहाँ पे नन लिखा हुआ है तो समझ जाओ आपने मन पसंद आईपी लिया हुआ है पक्का, और यहाँ DHCP लिखा हुआ है तो पता है इसमें ये जो आईपी वाला पैरामीटर आ रहा है ना, ये सब नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे, इफ कॉन्फ़िग में आईपी दिखेगा आपको और यहाँ नहीं दिखेगा। और एक पहचान बताऊं आपको दोस्तों, अगर यहाँ आईपी नहीं दिख रहा है आपको और स्क्रीन पे आपको इफ कॉन्फ़िग में आईपी आ रहा है तो समझ जाना वो DHCP से आईपी आ रही है, क्योंकि जब फाइल में आईपी लिखी होती है ना तो समझ जाओ ये आपका स्टैटिक आईपी है, मैनुअल आईपी आपने जो डाला है इसमें।
ठीक है, और यहाँ पे डीएससीपी देखो नहीं लिखा आ रहा, नन आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये मेरा आईपी है दोस्तों, और प्रीफिक्स का मतलब होता है ये मेरा सबनेट मास्क है 24, ठीक है। ओके ओके, अब देखो ये सब IPv6 वाले पैरामीटर छोड़ दो आप, इनकी जरूरत नहीं है आपको, आप ये समझो उसका नाम क्या है, फाइल का नाम हमारा ये है, और डिवाइस का नाम क्या है हमारा, डिवाइस नेम मतलब लैन कार्ड का नाम, और देखो नीचे ऑन बूट क्या आ रहा है यहाँ पे, यस सर, दैट मीन हमने आईपी सही कॉन्फ़िगर की है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि मैंने जो भी किया है वो सही कॉन्फ़िगर किया है, मैंने एक काम करके दिखा रहा हूँ आपको, आपकी नॉलेज के लिए बस, मैं एक बार रिबूट ले रहा हूँ मशीन को, जरूरत नहीं वैसे आपको, मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैंने सब कुछ सही किया है, सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आफ्टर द रिबूट मेरा होस्ट नेम या मेरी आईपी या कोई भी फंक्शन मेरा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बस मुझे ये दिखाना है, और चेक कर लेने से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमने जो भी सेटिंग करी है वो परमानेंट करी है क्या। अभी तक आपको कोर्स में ये चीज समझ में आ गई होगी कि यार जो भी चीजें फाइल में सेव होती हैं तो परमानेंट ही मानी जाती हैं कहीं ना कहीं, क्यों, क्योंकि रिबूट के बाद वो फाइलें पढ़ता है और फाइल में जो मिलता है उसको एक्टिव कर देता है, ठीक है जी सर। ये देखो मैंने दोस्तों यहाँ पे रूट से लॉग इन किया, लॉग इन करके देखो भाइयों, अब आप खुद अंदाजा लगाओ कैसे पता करूं कि मेरा मेरी कॉन्फ़िगरेशन सारी ठीक थी। देखो होस्ट नेम चेक कर लो, होस्ट नेम ठीक आ रहा है आपका, बिल्कुल सही है जी। इफ कॉन्फ़िग पे आईपी आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो आईपी आ रहा है दोस्तों, दैट मीन सब कुछ क्या दोस्तों ओके है। अब देखो ये वाली फाइल हमारी आ रही है, होस्ट नेम वाली फाइल है हमारे पास, बिल्कुल है जी। लैन कार्ड की फाइल है हमारे पास, सिस कॉन्फ़िग नेटवर्क आईफन स्क्रिप्ट, सब कुछ ओके है, हैं? Okay. अब प्लीज एक बात बताओ मुझे, मेरा इसका मतलब ये समझिए, एक मशीन मेरा रेडी हो गया जिसमें आईपी, नेट मास्क, सबनेट मास्क और हमारा होस्ट नेम रेडी है। एज पर दिस कॉन्फ़िगरेशन मेरी मशीन नंबर 1 हमारी क्या दोस्तों रेडी है। नाउ वी आर गोइंग ऑन मशीन नंबर 2 एंड नीड टू अप्लाई द सेम कमांड ना, लेकिन हमको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। अब प्लीज आप में से कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करो, अब मैं कमांड्स नहीं बताऊंगा आपको एक भी। अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आ गया तो एक तरीके से मैं रिपीट कर रहा हूँ टॉपिक को, और टॉपिक मेरा वही रहेगा सेम। आप में से कोई बच्चा मुझे आप स्टेप बाय स्टेप कमांड बताओ, इस मशीन को मुझे नेटवर्क में लेके आना है, नेटवर्क में लाने के लिए पहली कमांड आप क्या चलाओगे, होस्ट नेम कैसे सेट करोगे बताओ। होस्ट नेम CTL, ये कमांड या तो ये चला दूं मैं, चलो चेंज कैसे करते हैं होस्ट नेम बताइए। होस्ट नेम CTL स्पेस होस्ट नेम सेट होस्ट नेम उसका नाम सर session20.example.com परफेक्ट, ये सेट हो गया जी आपका, कैटराइज कर डन। अच्छा एक तरीका नया बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको ये टैब बंद नहीं करना है, आपको आप चाहते हो मेरा नया सेशन मुझे यहीं से इनिशियलाइज हो जाए मेरा, तो एक बैश कमांड होती है यहाँ पे, तो यहीं से देखो आपका सेशन यहाँ पे क्या हो गया, ये इनिशियलाइज हो जाएगा, तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, लॉगआउट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए होता है। हाँ, वो शेल आपका चेंज कर देगा दोबारा से वहीं पे। अब देखो इफ कॉन्फ़िग में मेरा लैन कार्ड का नाम क्या है, ENS 160। अब मैंने इसीलिए बोला था आपको कि रटो मत इसको, जहां भी जो मिले आपको। अच्छा मान लो आप रेड हैट का पेपर देने गए, आपके साथ यही धोखा होता है एग्जाम वाले दिन, एग्जाम में लैन कार्ड का नाम एग्जामिनर रीनेम कर देता है, ये रीनेम हो जाते हैं लैन कार्ड के नाम, पता है वो पता क्या करता है, एग्जाम में लैन कार्ड का नाम आपको ETA 0 ही देगा आपको, ठीक है। तो फिर यार आपको याद करके थोड़ी जाना है घर पे, आपको मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जाम में आईपी डालनी है आपको, तो भैया आईपी ऐसे नहीं डालनी है आपको रट के, मुझे लैन कार्ड का नाम क्या मिलेगा सर ये बता दो मुझे पहले से, नहीं आप ये समझो जो लैन कार्ड का नाम मिलेगा वो मुझे इफ कॉन्फ़िग में यहाँ दिख जाएगा, तो जब मैं आईपी डालूंगा तो इफ नेम के बाद सीधी बात है वही नाम दिखोगे यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, शो कर रहा होगा, सीधी सी बात, ठीक है। और कनेक्शन नेम कुछ भी रख लो, एग्जामिनर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि यार फाइल का नाम तो यूजर कुछ भी ले सकता है, पर लैन कार्ड का नाम कमांड में सही होना चाहिए। अब मुझे इससे ये पता लग गया भैया लैन कार्ड का नाम 160 है। अब ये देखो फिलहाल ये मेरा लैन कार्ड किस फाइल के साथ एसोसिएट हो रखा है, साफ साफ बता रहा है जस्ट से, कह रहा भाई साहब ये लैन कार्ड
इस नाम के साथ एसोसिएट हो रखा है। तो मैंने कहा एक काम करो, इसको डिलीट मार दो, इसको डिलीट मार दो ऐसे। अब चेक करो यार, गया गया, अब ऐड कर देंगे। जल्दी बताओ कमांड क्या थी, कनेक्शन कनेक्शन ऐड कनेक्शन नेम का नेम। अच्छा मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूं, मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूं इस वाली मशीन में, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि यार सेम ले लिया यहां पे भी। मैंने एक्स वाई जेड ले लिया, ठीक है, इफ नेम मुझे नहीं पता, देखो मैं टैब मारूंगा, देखो ई करके, ये देखो मैं टैब दूंगा, 160 आ जाएगा, उठा लेगा, बात खत्म हो गई। टाइप इथरनेट, टाइप इथरनेट और ऑटो कनेक्ट प्रयास कर देंगे। आईपी 4 उसका एड्रेस डाल देंगे सर, आईपी एड्रेस डाल देंगे सर, 24। मेहनत मेरी वसूल हो गई कल से लेके आज तक जो हमने मेहनत करी थी, ठीक है, डन। ये आईपी डल गया जी हमारा, चेक करिए कनेक्शन शो करिए यहाँ पे, शो हो गया सर। इफ कॉन्फिग करिए, ये देखो यहाँ पे 20 आपके सामने आ रहा है, आईपी एड्रेस सबनेट आ रहा है, परफेक्ट है ना। अब जरा इसकी फाइल आपके सामने आ रही है क्या, फाइल किस नाम से आ रही है, ये देखो एक्स वाई जेड के नाम से फाइल आ रही है वो आपकी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 20 आईपी आ गया, बूट प्रोटोकॉल हमारा नन आ रहा है, ऑन बूट यस आ रहा है यहाँ पे, और सबनेट हमारा ये आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक्स वाई जेड आपको समझ में आ गया वाला कॉन्सेप्ट। सर अगर सर्वर से कनेक्ट होते तो यहाँ पर नन नहीं शो करता ना? नहीं, नन ही आता दोस्त यहाँ पे तो। अच्छा, डीएचसीपी के केस में अगर डीएचसीपी आता बस, हाँ बस। अच्छा, बाकी फिर नीचे का वो नहीं आता। सर्वर मत बोलो, सर्वर वर्ड आप गलत बोल रहे हैं आप, सर्वर नहीं, आप ऐसे बोलो कि अगर ये मशीनों में मेरा आईपी किसी जगह से आ रहा होता तो यहाँ पे बूट प्रोटोकॉल डीएचसीपी डीएचसीपी लिखा होता बस, ठीक है। देखो कोई सर्वर नहीं होता लाइफ में, कोई क्लाइंट नहीं होता, मैंने आपको सीधे बोला है, मैंने आपको ये बोला जब दो डब्बे कॉन्फिगर होते हैं, चाहे 50 डब्बे बनाओ आप, वो 50 डब्बे मशीन की तरह काम करते हैं, एक ओएस होता है बस वो। अब उसके ऊपर आप तुम जो सर्विस जहां से लेते जाओगे वो आपके लिए उस सर्विस के लिए सर्वर की तरह रिएक्ट करता है, राइट। और जो अब मशीन हमारी सर्विस को यूटिलाइज कर रही है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। लेकिन अब ये दोनों मशीन, एक बात बताओ, जब कहीं से आईपी ले नहीं रही है तो हमारी मशीन तो मशीन ही है ना, बट इसमें आप ये बोलो आप भैया हमारा आईपी मैनुअल पड़ा हुआ है, इसके अंदर डीएससीपी बेस्ड आईपी हमारे अंदर नहीं असाइन रखा है, ठीक है, चलो। तो अब लेकिन एक लफड़ा हो गया दोस्तों, क्या कैसे टेस्ट करें कि हमारी ये दोनों मशीन अब आपस में बात कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं? क्या इनको आगे जाके मैं एज अ नोड 1 नोड 2 में बिहेव करा सकता हूं? बोले तो सर्वर क्लाइंट मॉडल में ट्रीट कर सकता हूं इनको? यस। कैसे? पिंग कमांड चलाओ। कभी भी याद रखना 127.0.0.1 को पिंग मत मारना आप, क्यों? अगर पिंग करोगे तो ये तो अपने आप को पिंग करेगा, ये पड़ोसी को थोड़ी पिंग मारेगा, ये किसको पिंग कर रहा है अभी? ये तो अपने आप को पिंग कर रहा है, ठीक है। आपको जाना है दूसरे के पास, तो भैया यहाँ पे आईपी क्या डालेंगे आप? 192.168.0.20 उसी का आईपी डालेंगे, 10 डालेंगे पड़ोसी का, 10 डालेंगे, 10 डालोगे दोस्त यहाँ पे, 10 डालेंगे। अब सुनो, जब ये कमांड चलाओगे अगर यहाँ पे होस्ट नॉट फाउंड का एरर आए या अनरीचेबल आए, टाइम आउट आए, तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर यहाँ पे टीटीएल टाइम आने लग गया यहाँ पे, और ये देखो रिप्लाई आपके पास आ रहा है सही यहाँ पे, दैट मींस आप नेटवर्क में आ चुके हैं दोनों लोग, ठीक है। अब देखो उसको रोकोगे कैसे, आप सीधे कंट्रोल सी प्रेस कर दो यहाँ पे। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर मुझे कंट्रोल सी ना करना पड़े, कोई तरीका है? यस, जैसे मान लो आपने लिखा 5, C5 मतलब काउंट 5 है हमारा, तो देखो 5 बार पैकेट भेजेगा ये अपने आप, क्या करेगा? क्यूट कर जाएगा अपने आप से, ठीक है दोस्तों। अच्छा सुनो, मशीन नंबर 2 से हमने ये चेक कर लिया मशीन नंबर 1 पे जा पा रहे हैं, लेकिन मशीन 1 से क्या हम मशीन 2 को हिट कर पा रहे हैं? ये देखो, तो मैंने पिंग मारा 20, अगर रिप्लाई आ गया, वैसे पता है ये कॉमन सेंस वाली बात होती है, अगर वो उधर से यहाँ पिंग कर पा रहा था तो ये भी पिंग करेगी, करेगा उसको, ठीक है। सर मेरे क्वेश्चन था कि जो हम मैनुअल डाले और ब्रिज कनेक्शन है, तो क्या हमारे इंटरनेट चलेगा इसके ऊपर? नहीं, अभी देखो इसमें इंटरनेट नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि आपने इंटरनेट चल सकता है मैनुअल में भी, पता है कब? जब आप अपने डीएससीपी की रेंज का आईपी डाल दो, मॉडम गेटवे और सब डालो इसमें डीएस, तो आपका ये नेट चल जाएगा आपका। अभी क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपने ऐसी रेंज डाली जिसमें आपका नेट कॉन्फिगर नहीं है, आपका इंटरनेट का रीचेबल नहीं है आपका। मैं थोड़ी देर बाद आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसी मशीन में अगर डीएससीपी से आईपी ले लो आप, जैसे नीचे वाईफाई ऑन है ना, डीएससीपी से आईपी ले लो, तो तुरंत पता है इनमें डीएससीपी का प्रैक्टिकल भी हो जाएगा आपका और इंटरनेट वाला प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। क्यों? जब डीएससीपी से आईपी आएगा तो कौन सा डीएससीपी जिसमें वाईफाई चल रहा है आपका, तो जब वाईफाई डीएससीपी देगा, वाईफाई वाला जो मॉडम हमको डीएससीपी देगा, तो इसका मतलब क्या है, उसमें वो आईपी रेंज मिलेगी मुझे जो उसमें कॉन्फिगर है, तो भैया वही मुझे डीएससीपी रेंज दे देगा मुझे बना के, ठीक है।
अभी आता हूँ उस टॉपिक पे भी आता हूँ आपके सामने। ये देखो पहले आप ये देखो यहाँ पे हमको एक तरीका समझ में आ गया आईपी डालने का, क्या कि भाई सीधे डिलीट मारो और शो करो और दोबारा ऐड कर दो, मशीन पिंग हो गए बढ़िया हमारे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब एक क्या कंटिन्यूस पिंग के लिए क्या कमांड हो, कंटिन्यूस पिंग करना चलते ही रहेगा लो आपके सामने ये, ठीक है। जैसे विंडोज में आपको हाइफन टी लगाना पड़ता है वो यहाँ नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। चलो एक बार मॉडिफाई बता देते हैं, मॉडिफाई में क्या होता है। देखो एक नई चीज देखो ध्यान से दोस्तों यहाँ पे क्या मैं आपको भी क्या बोला कल वाली क्लास में कि हमारी दोनों मशीनें ये भैया आईपी टू आईपी बात करती हैं बट नाम से बात नहीं करती हैं। तो मैंने दो तरीके बताए आपको, या तो कोई आपके पास डीएनएस सर्वर चल रहा है तो डीएनएस का आईपी अपनी अपनी फाइलों में डाल दो यहाँ पे, तो सबसे पिंग कर हो जाओगे जितनी की एंट्री यहाँ पड़ी हुई है। अब जब ये डीएनएस है ही नहीं हमारे पास तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पता क्या, हाउ टू कनेक्ट मशीन विद होस्ट नेम सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विद मशीन नेम एज वेल। अभी हम आईपी से बात कर पा रहे हैं, मुझे नाम से भी बात करनी है दोस्तों, तो क्या करेंगे। और इसमें एक बात और है यहाँ पे विदाउट डीएनएस सर्वर, मतलब हमारे पास कोई अभी क्या नहीं है डीएनएस कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करने जा रहे हैं वो सुनो आप ध्यान से। अच्छा एक नई पहचान आपको बताता हूँ, बाय डिफॉल्ट पता है हमारी मशीन लोकल होस्ट के नाम से पिंग हो जाती है। लोकल होस्ट पता क्यों पिंग हो जाता है, क्योंकि ये जो लोकल होस्ट नाम होता है ना ये पहले से ही 127.0.0 पे मैप हो रखा होता है, तो वो लोकल लोकल पिंग हो जाता है। लेकिन हमें तो पिंग करना है सेशन 10 वाला, वो पिंग नहीं होगा। देखो ये पिंग हो रहा है अभी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं पिंग मारता हूं यहां से, एक बात बताओ मुझे सेशन 20.example.com को, ये 20 कौन है, 20 कौन है, ये मेरा सेकंड वाली मशीन। तो एक काम करिए विम कमांड सबको पता है, फाइल में जाइए, इस फाइल में जाके देखो दो एग्जांपल पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये IPv4 का एग्जांपल है दोस्तों और ये IPv6 का एग्जांपल है, ठीक है। तो कह रहा है 127.0.0.1 लोकल होस्ट के साथ मैप हो रखा है जी। तो एक काम करते हैं, मैंने बोला एक हम मशीन को पिंग करवा दो भैया हमारी को, ये वाली हमारी आईपी है और ये हमारा ये हमारा एक्चुअल होस्ट नेम है। ऐसे हमारा एक पड़ोसी है इसको भी पिंग कराना चाहते हैं हम, और स्टेशन 20 दोस्तों अपने आप को भी एंट्री करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अगर आप चाहते हो मैं पिंग मारूंगा पिंग, तो यार पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, क्या शॉर्टकट में ओनली मैं स्टेशन 10 लिखूं तब भी पिंग हो जाए वो, अलियास नेम बनाना चाहते हैं आप, अलियास मतलब निक नेम, तो मैंने यहाँ पे ओनली स्टेशन 10 लिख दिया दोस्तों, ऐसे मैंने यहाँ पे स्टेशन 20 लिख दिया। अच्छा सुनो अलियास नेम हम एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बोला मशीन 10 को पिंग करूं तब भी पिंग हो जाए, या मशीन 20, या मैंने बोला कि नोड 10 है मेरा और ये मेरा नोड क्या है दोस्तों 20, ये सारे इसके अलियास नेम है वैसे मान लो तीनों। देखो ये लिखना जरूरी होता है, ये आगे वाले ना लिखें आपकी मर्जी है, सेव करो फाइल को। ओके अब जरा पिंग मारो, पहले आप अपने आप को चेक करो कि मैं पिंग हो पा रहा हूं, बाकी सबको छोड़ो पहले। क्या मैं मशीन 10 लिख रहा हूँ तो पिंग कर पा रहा हूँ अपने आपको, यस देखो पिंग मैंने इसको मारा बट हिट जा कहाँ रहा है, यहाँ जा रहा है एक्चुअल नेम पे, ठीक है आईपी पे। अच्छा मैं अपने आपको क्या नोड 10 लिख के पिंग कर पा रहा हूँ, तो भी कर देगा, अच्छी बात है। क्या अब मैं मशीन 2 को पिंग कर पा रहा हूँ, पिंग स्टेशन 20.example.com हो गया ये स्टेशन नंबर, एक सेकंड ये देखो पिंग हो रहा है, ये देखो यहाँ पे पिंग हो रहा है बड़े प्यार से, और देखो ये यहाँ पे अगर मैं मशीन 20 को पिंग करता हूँ तब भी पिंग होगा, ठीक है, और मैं नोड 20 को करता हूं दोस्तों तब भी पिंग हो जाएगा, दैट मीन प्रैक्टिकली ठीक है हमारा। लेकिन अब एक चक्कर पड़ गया, क्या मैं इधर से अपने आप को पिंग कर पा रहा हूं और इसको भी पिंग कर पा रहा हूं बट ये मुझे नहीं कर पाएगा अभी इधर से, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने अपनी ईटीसी होस्ट में कोई एंट्री
नहीं किया अभी तक। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, सुनो ध्यान से क्या, मान लो अभी जैसे जो भाई साहब मुझसे बात कर रहे हैं ना, इनका मैं नाम और नंबर लेके अपने मोबाइल में सेव कर लूं, ठीक है, लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया, मुझसे मेरा नाम और मेरा आईपी मांगा ही नहीं, ठीक है, तो इनको एंट्री करनी पड़ेगी, तभी तो वाइस वर्सा यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा हमारा। अब समझो यहाँ पे ध्यान से, मशीन नंबर टू पे आ जाओ, सेम सेटिंग आप मशीन नंबर टू पे कर दो। कैसे, देखो ईटीसी होस्ट में जाओ अब जरा एक बार आप, देखो सर इसमें दोनों देने पड़ते हैं ना हमें, जिससे कनेक्ट करना होता है और जिनसे। हाँ, ये देखो 10 20 ये 20 20 एग्जांपल है, ठीक है सर। ये आपने कैसे किया एक बार में नीचे सेमी? हाँ वो ये ऐसे हो गया दोस्तों, ठीक है, तो स्टेशन ये सब मैंने एंट्री यहाँ पे कर दी। अब एस्केप करो और शिफ्ट कॉलन क्या करो यहाँ पे, सेव कर दो सर, डब्ल्यू क्यू। अब पहले अपने आप को टेस्ट करो, पड़ोसी को बाद में चेक करेंगे। स्पेलिंग गलत है सर, ये देखो पिंग हो रहा है सर। अब मैं आता हूँ आपके सामने 10, ये पिंग हो रहा है, हो रहा है यस सर। अच्छा मैं अगर ओनली स्टेशन 10 को पिंग करता हूँ तब भी हो रहा है, तो भी होगा, 20 को भी हो रहा है, ठीक है। अब एक नई बात सुनो, लोग मुझे बोलते हैं सर ये पिंग वाला प्रैक्टिकल तो आपने करा दिया, कोई ऐसा लाइव प्रैक्टिकल है जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि मैंने आज इतनी मेहनत क्यों करी? तो सुनो, ये मशीन नंबर 1 चल रहा है, मशीन नंबर 2 चल रहा है। कई बच्चे बोलते हैं सर एक बात बताओ, सर मैंने सुना है लिनक्स में रिमोट लॉगिन सर्विस बाय डिफॉल्ट एक्टिव होती है, रिमोट लॉगिन सर्विस जिसको हम SSH बोलते हैं, सर एक काम करके दिखा सकते हो कि ये मेरा स्टेशन जो 10 है ना, 10 पे मुझे लॉगिन करना है 20 से, और इसका मुझे आईपी और यूजर नेम पासवर्ड पता है, तो लॉगिन कर सकता हूं क्या मैं? अगर ये लॉगिन हो गया ना, समझ जाओ इसमें दो प्रैक्टिकल हमारे सही हो गए, एक तो हमें नेटवर्क टेस्टिंग करना आ गया और हमें ये भी पता लग गया कि हाँ ये दोनों मशीन अब हमारे सर्वर क्लाइंट मॉडल में काम करने को तैयार हैं। अब देखो मैंने ट्राई करा यहाँ से, पता क्या, SSH root@ रूट वाले अकाउंट में जा रहा हूँ दोस्तों, मैं कहाँ पे आईपी एड्रेस 10, जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये पूछेगा आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कंटिन्यू करें इसको, तो एक कोड जनरेट होगा, कह रहा यस, कह रहा पासवर्ड बताना पड़ेगा जी आपको, बिना पासवर्ड के नहीं जाने देंगे आपको। तो मैंने मान लो पासवर्ड दिया, समझिए अब देखो मैं बैठा 20 पे था, अब कहाँ गया मैं, ये 10 पे। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं ये जो फोल्डर बना रहा हूँ, मान लो ये वाला फोल्डर, ये फोल्डर कहाँ बन रहा है, यहाँ या उस वाले मशीन पे? ध्यान रखना ये कमांड 10 पे चल रही है। अच्छा एक टेन पे चल रही है, अगर मैं अभी रिबूट मार दूं तो रिबूट ये होगा या वो डब्बा रिबूट हो जाएगा? ये होगा सर, 10 होगा, 10 वाला होगा, ध्यान रखना, ठीक है, तो ये गड़बड़ मत करना अभी आप, ठीक है, पर टेस्टिंग के लिए इतना ही काफी है। अच्छा सुनो, ये आईपी का फायदा हो गया। अब कई बच्चे बोलते हैं सर आपने आईपी लिखा है यहाँ पे, क्या हम ओनली स्टेशन 10 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने अलियास बना रखा है आईपी के साथ साथ, तो ये तो फायदा है। यस, ये देखो ये भी कनेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों, ये फायदा था नाम से पिंग कराने का। अगर नाम से नहीं कराते हम तो ओनली आईपी से बात कर पाता, मैं नाम से बात नहीं कर पाता। आईपी के आगे root@ लिखना जरूरी है? हाँ रूट जरूरी है ना, देखो नहीं लिखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट पता किस में जाएगा, ये फिर रूट के अकाउंट में जाएगा। लेकिन मान लो देखो दोस्त, अब ये किस में जा रहा है बाय डिफॉल्ट, देखो रूट वाले अकाउंट में जा रहा है, ठीक है, आपने पासवर्ड दे दिया रूट में आ गया, लेकिन मान लो आपको जाना है वहां पे कृष्णा वाले अकाउंट में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तब कृष्णा देना पड़ेगा नाम, फिर लिखना पड़ेगा आपको ऐसे यहाँ पे, यूजर नेम डालना पड़ेगा। ओके अब देखो मैं कृष्णा वाले अकाउंट में आ गया, दैट्स इट। चलो तो दोस्तों ये आपका सर्वर क्लाइंट आपका रेडी हो गया। एक बात बोलूं मैं आपको, पूरे कोर्स को पढ़ने के लिए अब ये दो मशीन आपकी तैयार है परफेक्ट लेवल पे, जैसे मशीन नंबर 1 मशीन नंबर 2 एकदम बढ़िया रेडी है। अब मैं बच्चों को पता एक सजेशन देता हूँ यार, एक बात बताओ आगे जाके बहुत सारे टॉपिक आप ऐसे पढ़ोगे मुझसे जिसमें बार बार आपको दो मशीनों के बीच में नेटवर्क चाहिए होता है, आपको वो पिंग होने चाहिए, तो लोग क्या करते हैं मशीनों को इनको खराब कर लेते हैं आगे जाके। मैं कहता हूँ यार इनका एक कॉपी बना के रख लो भी यहीं पे हैंड टू हैंड आप, क्यों? देखो सुनो ध्यान से, फायदा क्या होगा इसका, यहाँ जाओ और इस वाले चाबी वाले आइकन पे जाके क्या करिए इसका आप, स्नैपशॉट लेके रखो। देखो और देखो इसका नाम पता कैसे ले लो, देखो सुनो ये तो ये था हमारा फ्रेश वाला, अब यहाँ पे एक और ले लो, इसमें पता क्या लिख दो, विद
अब मुझे याद रहेगा भाई ये मेरी मशीन रेडी है एकदम से। अब समझो देखो, मान लो जैसे आपको दोबारा से फ्रेश प्रैक्टिस करनी है आपको स्टार्टिंग से, तो भाई इस वाले को ऑन कर लो गो टू करके। और जब आपको रेडी मशीन चाहिए तो देखो देखो, अब देखो यहाँ गया मैं गो टू। अब देखना इस मशीन में मुझे बार बार आईपी होस्ट नेम नहीं डालना पड़ेगा, एक बार मेहनत करके मैंने मशीन सेट कर ली, बढ़िया चलेगी बिंदास एक बार में। ये देखो ध्यान दो, और घर पे ऐसा करके रख लेना, पता है ऐसे फायदा ये होगा आपको जब आगे जाके आप जो भी टॉपिक पढ़ा करेंगे, जिसे मैं बोलूंगा बार बार आपको भैया इसमें नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क चाहिए इस टॉपिक के अंदर, दो मशीनों के बीच में प्रैक्टिकल करना है आपको, तो दो मशीनों के बीच में जो प्रैक्टिकल करना है आपको वो बिना नेटवर्क के नहीं हो सकता आपका प्रैक्टिकल। तो पहले से दो मशीन आप अपनी रेडी रखो ना, ताकि आपको डेली ये आधा जीबी में, चार जीबी में तो दो मशीन रेडी हो जाएंगी, चार जीबी में आराम से हो जाएंगे दोस्त, आराम से एक एक जीबी रैम दे दो दोनों ऊपर। नहीं पाँच, ये पहली बार लोगे अब स्नैपशॉट टाइम लेगा, तो बाद में तो एक सेकंड में रजिस्टर हो जाता है बस। देखो अब जैसे ये मेरा स्नैपशॉट यहाँ पे सेव हो गया एक तरीके से ना, अभी देखो रजिस्टर होके आएगा आपके सामने। अभी देखो वापस उसको क्या कर रहा है, रजिस्टर कर दे रहा है मेरे सामने, ठीक है। तो जो काम मैंने अभी मशीन नंबर वन पे किया है वैसे सेम काम एक बार आप कहाँ कर दो, मशीन नंबर टू पे कर दो। ये देखो दोस्तों मशीन नंबर वन आ गई मेरी वापस। अब आप ये समझो देखो होस्ट नेम इसमें पहले से सेट है आपका, और इफ कॉन्फ्लिक्ट देखो आईपी पहले से क्या मिलेगा आपको, सेट मिलेगा। अच्छा मान लो आपने प्रैक्टिकल करके आपने मशीन को बंद कर दिया, एग्जाम्पल देते हैं चलो, ठीक है। मशीन नंबर टू पे जाओ जरा एक बार आप लोग, यहाँ भी आपने क्या किया विद होस्ट नेम एंड आईपी, आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, और आपने इसको बंद कर दिया। एक बात बताना मुझे, अब आपको डेली घर पे प्रैक्टिस करनी होती है, आपको डेली घर पे आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपको। सीधा फंडा है पता है क्या, मान लो आप वीएमवेयर को बंद कर दो, देखो यहाँ से देखना मैं आपको बड़े एक बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ आपको। अब आपके पास दो चॉइस है पता क्या, जब आपको फ्रेश मशीन चाहिए एकदम, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं चाहिए आपको, तो आपकी मशीन वहां मिल जाएगी आपको जहां से आपने पहली बार आपने मशीन को इंस्टॉल किया था, ठीक है। और जब आपको नेटवर्क वाली मशीन चाहिए रेडी मशीन आपको, तो भैया इन दोनों को ऑन कर लो, मशीन चालू मिलेंगी आपको पहले से। तो आपका जो आधा घंटे टाइम लगेगा नेटवर्क बनाने में आपका, वो बच जाएगा रहेगा डेली बेसिस पे। और सीधे सीधे आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करोगे बजाय टाइम वेस्ट करने के अपना, ठीक है। देखो दोस्तों तो यहाँ पे क्या हुआ, अब दोनों मशीन बंद हो गया मेरे, ऐसे मान लो ये देखो बंद हो गया। अब आपको मान लो नेक्स्ट डे फिर प्रैक्टिकल करना है आपको, तो सिंपल देखो यहाँ पे जाओ, यहाँ जाके ध्यान देना। अब आपके दो चॉइस हैं, या तो आपको ये वाला रिस्टोर करना है या ये वाला करना है। मैंने कहा नहीं मुझे तो नेटवर्क वाला चाहिए जी, सिंपल यहाँ जाओ और यस कर दो, यहाँ पे खत्म मशीन आपको लो रेडी मिलेगी एकदम से, ठीक है। ये भी चाहिए मशीन आपको रेडी, नेटवर्क वाली चाहिए तो यहाँ रेडी कर लो उसको आप, खत्म। ये सेटअप ऐसे होती है कोर्स की प्रैक्टिस, पता है सर्वर जो बच्चे मुझे बोलते हैं ना, मेरे स्टूडेंट आते हो कभी आपको ये नहीं बोलते सर मैं घर पे लैब रेडी नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा मशीन सर्वर क्लाइंट नहीं पढ़ पाऊंगा मैं घर पे, हो ही नहीं पाएगा मुझसे। तो नहीं हो ही नहीं सकता यार ऐसा, सब कुछ इसी के अंदर देखो रेडी हो जाता है बड़े प्यार से आपके सामने, ठीक है। दोनों मशीन देखो रेडी है आपकी, 10 वाली 20 वाली भी रेडी है बड़े प्यार से, डन। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी आपके सामने, सेशन 10 की और 20 की कहानी ये आपके सामने, डन। चलो तो अब मैं प्रैक्टिकल को इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिकल था कि हमको दो मशीन कैसे कनेक्ट करनी है, क्या करना है, ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मेरा अगला टॉपिक क्या दोस्तों, जरा वो सुनिए। मान लो हमारे इस मशीनों में अभी आईपी होस्ट नेम बढ़िया पड़े हुए हैं और कनेक्टिविटी हमने चेक करना आ गया जी। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, देखो सुनो ध्यान से। क्या आज का हमारा टास्क नंबर 201 ये था क्लास का, टास्क नंबर 1 चेंज होस्ट नेम, टास्क नंबर 2 डिलीट द प्रोफाइल। दोस्तों प्रोफाइल और फाइल बात बराबर होती है, ठीक है, और यू कैन से कनेक्शन नेम, ठीक है। टास्क नंबर सर अगर हम उसमें मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफाई में अपन यही कमांड चलाएंगे मॉडिफाई, जैसे इसमें ऐड और न्यू करते थे। हां उसमें मॉडिफाई करके अपन जैसे में ऐड और डिलीट नहीं करना पड़ेगा, खाली मॉडिफाई करके उसमें नेम चेंज करना। वो चीज अलग 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 चीज है, वो मैं समझाता हूं पूरे को भी, वो चीज अलग है एकदम। डिलीट किया मैंने यहाँ पे, ये मैंने चेंज किया,
और ये मैंने दोस्तों क्या किया, एड न्यू प्रोफाइल, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ नोट सर, एक बार और बता दीजिए प्रोफाइल को न्यू क्यों किया हमने, मतलब नेम हम दो चॉइस थी सर आपके पास, क्या मैंने बोला आपको, या तो कनेक्शन को डिलीट मार के एक फ्रेश नई प्रोफाइल बना दो आप, या आप नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हो वो फाइल मेरी वही रहे और उसी के अंदर मेरा आईपी सेट हो जाए जो मैं चाहता हूँ अभी, आप नया वाला आईपी सेट हो जाए तो वो मैं अब करूंगा आपके सामने, मैं उसी को मॉडिफाई करना सिखाऊंगा आपको। मैंने तीन ऑप्शन दिए, पता है आपको क्या, कनेक्शन शो करो, शो करके आपके पास दो चॉइस है क्या, या तो डिलीट करके नया बना दो, या मैंने बोला आप उसी को मॉडिफाई कर दो, आपकी चॉइस है। तो आपने भी ये वाला स्टेप किया था, अब आप ये स्टेप करने जा रहे हो आगे मुझसे। वैसे रेगुलर बेसिस पे कौन सा करना ज्यादा सही, डिलीट नहीं करते जनरली लोग, जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं डिलीट नहीं करते, सीधे पहली वाली को मॉडिफाई कर लेते हैं, उसी से काम कर लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने जो बंदा पहली बार नेटवर्किंग सीख रहा है मैंने उसको सिखाया कि देखो क्लीन नेटवर्क अपना कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, ठीक है। नाउ अब दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, मुझे मेरे पास दो टास्क है, पता क्या टास्क मेरे पास ये है अभी, हाउ टू चेंज आईपी विदाउट डिलीटिंग द प्रोफाइल। आपको अब फाइल डिलीट नहीं करनी और आईपी चेंज करके दिखानी है आपको, ठीक है। तो अगेन यू आर हैविंग द टू ऑप्शंस, पहला ऑप्शन क्या दोस्तों आपके पास, फाइल बेस्ड, ये आपको देखो अब समझ में आ जाएगा आपको कि सीधे फाइल में जाके चेंज करो ना, क्यों माता बच्ची कर रहे हो बेघर में आप, ठीक है। राइट, सेकंड क्या है, यूजिंग एनएम। अब देखो मान लो ये स्टेशन नंबर मेरा 1 है, मुझे इसकी आईपी चेंज करनी है, ठीक है। अभी आईपी क्या चल रहा है, पहले ये देखो, मान लो मेरा 10 चल रहा है आईपी दोस्तों, ये मुझे 100 करना है। तो यार सीधी बात है, आप इसकी फाइल में जाओ, जहां इसका फाइल है ये देखो, ऐसे करके, समझ में आया। एक बात बोलूं, फाइल में आके ओनली आईपी चेंज नहीं होती, कुछ भी चेंज करो आप, गेटवे चेंज करो, डीएनएस चेंज करो, जब फाइल में आ गए तो सब कुछ चेंज हो जाता है। बट एग्जांपल मेरा ये है आईपी का, जैसे 10 है यहाँ पे, अब मुझे 100 करना है ये, ठीक है। राइट, सेव करो जस्ट इसको, लेकिन अभी ये 100 आएगा नहीं यहाँ पे, क्यों, वो फाइल हमारी लोड नहीं हो पाई अभी। देखो अभी भी क्या रहा है यहाँ पे, 10 आ रहा है। तो एक कमांड याद करना पड़ेगा आपको, इफ डाउन, एक बार इंटरफेस को डाउन करके अप कर दो, जैसे इंटरफेस का नाम आ गया, और एक बार दोबारा से क्या कर दो आप यहाँ पे, अप कर देंगे, अप कर दो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे नया वाला आईपी आया क्या, आ गया, आ गया। मैंने कहा नहीं यार ये तो गलत हो गया हमसे, हमको दोबारा अब 10 करना है इसको। तो अब एक तरीका ये भी हमारे पास, एनएम सिलाई कनेक्शन शो करो। अब देखो फाइल का नाम क्या है, ये फाइल का नाम है, इस फाइल में क्या मॉडिफाई करना चाहते हो वो बताइए आप यहाँ पे। तो मैंने बोला कि भैया मॉडिफाई करना चाहता हूँ मैं, किस वाली फाइल में, फाइल में, इस वाली फाइल में मॉडिफाई करना चाहते हैं क्या, IP address, IPv4, ये आपको याद करना पड़ेगा। सुनो, जब पहली बार डिलीट करके नया फाइल बनाते हैं तो IPv4 पैरामीटर आता है, और जब मॉडिफाई करते हैं तो IPv4.addresses आता है, टैब मारोगे अपने आप ले लेगा ये, ठीक है। तो मैंने बोला भैया अब मेरा आईपी 10 दोबारा कर दो, ये वाला सबनेट के साथ। अब सुनो, आईपी अभी भी चेंज नहीं हुआ है, एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन डाउन करके दोबारा क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा, एक बार अप कर दो। अब चेक करो कनेक्शन शो में, सब ठीक है यहाँ पे, सब ठीक है। आईपी चेक करो एक बार, अब जरा यहाँ पे ये देखो आईपी क्या आ गया आपका, 10 आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो सब लोगों को अब तीन तरीके पता लग गए भाई, या तो डिलीट करके नया बना दिया करो आप, या फिर उसको मॉडिफाई कर लो, या आपको कुछ नहीं आता, कमांड आती नहीं आपको, सीधे भैया फाइल वाला फंडा लाइफ टाइम काम आएगा आपके, फाइल वाला फंडा याद कर लो, ठीक है। अब एक बात दोबारा सुनिए, अब अगला टॉपिक मेरा क्या है ना वो सुनो ध्यान से। अब कई बच्चों को दिमाग में ये आता है यार मुझे सर एक काम सिखा दो, या दोनों काम एक ही बार में सिखा दो, एक तो मुझे इसमें से इस मशीन में DHCP से आईपी लेना सिखा दो, या मैं बोल रहा हूँ जब DHCP से आईपी ले ही रहा हूँ तो वाईफाई से आईपी आएगा यहाँ पे, और वाईफाई जब मेरा नेट यहाँ चल रहा है तो नेट यहाँ भी चल जाना चाहिए मेरा, क्योंकि मैंने ब्रिज नेटवर्क ले रखा है ऊपर। तो दो चीज सिखा दो एक बार में, क्या है सर, एक तो DHCP से आईपी कैसे लेते हैं, या फिर आप उल्टा उल्टा बोलो इस बात को, मैं इस मशीन में अभी इंटरनेट कैसे चलाते हैं VMs के ऊपर। जैसे कुछ बच्चों की बताए आदत क्या होती है घर पे पढ़ने की, वो क्या करते हैं पहले अपनी VM में ना इंटरनेट ऑन कर लेते हैं, इसमें अब गूगल खोल लेते हैं, यहाँ पे कोई टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लो एक्स्ट्रा कमांड्स पढ़ रहे हैं जो मैंने नहीं पढ़ाई, वो गूगल से देख देख के उन कमांड को कॉपी पेस्ट करते रहते हैं यहीं पे बैठे बैठे आराम से, और टास्क खत्म हो जाता है उनका आराम से। वो बच्चे कैसे करते हैं प्रैक्टिस वो देखो ध्यान से। कई बच्चे ऐसा करते हैं, पता सुनो ध्यान से, जैसे ऊपर इंटरनेट चला नहीं पा रहे यहाँ पे,
यहाँ इंटरनेट चला नहीं पा रहे वो लोग, इंटरनेट यहाँ खोल रखा है उन्होंने ऐसे, यहाँ पे गूगल देखो उन्होंने यहाँ खोल रखा होता है और यहाँ से देख देख के ना वहां पे कमांड चला रहे होते हैं, तो दिक्कत आती है यहाँ से कमांड चलाने में आपको, ठीक है। बेटर ये कि आप इसी में ऊपर इंटरनेट चला लो, ठीक है, और इंटरनेट पे भी तो दोनों मशीन पिंग हो जाएंगी ना आपकी, ये दोनों जब सेम रेंज में होंगी तो पिंग होंगी ये वाली दोनों मशीन हमारी, तो वो भी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो देखो एक तरीका दोस्तों ये है कि आप गूगल आपने यहाँ खोला हुआ है आपने, मैंने कहा नहीं मुझे गूगल अपनी रेल 8 के अंदर ऊपर वीएम में खोल के दिखाना है मुझे, तो वो कैसे खोलेंगे क्या करेंगे अब जरा वो देखो ध्यान से। आप देखो टॉपिक मेरा, अच्छा सुनो अगेन, डीएससीपी से आईपी लेने के भी दो तरीके हैं, या तो फाइल में जाके डीएससीपी सेटिंग कर दो आप, या अगेन फिर क्या कर दो आप, कमांड लाइन से कर दो सेटिंग आप, ठीक है, कमांड लाइन से कर दो। देखो सुनो ध्यान से, नाउ हाउ टू टेक, हाउ टू असाइन आईपी यूजिंग डीएससीपी सर्वर, ठीक है दोस्तों। अगेन दो मेथड है, फाइल बेस्ड है और दूसरा क्या है, कमांड 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 बेस्ड, ठीक है। अच्छा एक आपको नई बात बताने जा रहा हूँ, वो सुनो ध्यान से, यहाँ पे डीएससीपी से आईपी ले रहे हैं आप या इंटरनेट कनेक्टिविटी कर रहे हैं आप अपनी मशीन में, बात बराबर है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सुनो, एक रियल लाइफ में डीएससीपी सर्वर दो टाइप के होते हैं, ऐसा मत समझना जहां से डीएससीपी आईपी आता है तो नेट चल जाता है, नहीं। डीएससीपी सर्वर एक नॉर्मल भी हो सकता है जो केवल आईपी दे रहा है बट आपको उसमें नेट नहीं चलेगा, नेट कनेक्टिविटी इसमें है नहीं, और जिसमें नेट वाला डीएससीपी आ रहा है आपका इंटरनेट वाला, तो वो आपको इंटरनेट भी चला के दे देगा आपको, इतना फर्क होता है दोनों में, ठीक है। अब देखो मान लो मशीन नंबर वन पे गया मैं, मशीन नंबर वन पे मैं चाहता हूँ मुझे डीएससीपी से आईपी चाहिए, पहला तरीका बता रहा हूँ, एनएमसीएलआई कनेक्शन शो करो, यहाँ पे शो करके जो भी आ रहा है उसको डिलीट मार दो, डिलीट हो गया। अब क्या करो, कनेक्शन ऐड करो, इफ नेम कनेक्शन नेम ये ले लिया मैंने, इफ नेम ये ले लिया, टाइप इथरनेट ऑटो कनेक्ट यस। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना आप लोग, ये पता है कमांड आईपी डीएससीपी से लेने की कमांड है ये, क्यों आपने इस कमांड के आगे ये बताओ, अच्छा आपको लग रहा होगा यार ये कमांड पहले चलाई थी वो भी सेम है, ये तो अभी भी सेम है कमांड, चेंज क्या है इसके अंदर, सुनो चेंज पता क्या है, ये आपने आपने इसके सामने आईपी 4 लिखा कहीं आपने, नहीं लिखा ना, सुनो जब आगे लिखते हो ना आप आईपी 4 इज दिस, पता उसका मतलब क्या होता है, कि आप भी मनपसंद आईपी डाल रहे हैं आप, और जब ऑटो कनेक्ट यस के बाद कुछ लिखा ही नहीं आपने, तो इसका मतलब क्या है, जो नसीब में होगी मिल जाएगी, हां कल वाला एग्जांपल याद है ना, तो ये वही है ऑटो कनेक्ट यस, मतलब आगे हमने डाला ही नहीं, तो अब देखो यहाँ पे तो सीधी सी बात, यहाँ पे एंटर मार दो, तो एंटर मारते देखो क्या होगा, ये पता है अपने आप से डीएससीपी के पास गया होगा और इसने देखो एक आईपी ले लिया होगा, ये देखो इसका मतलब मेरा जो मॉडम चल रहा है ना दोस्तों, यहाँ मेरे घर पे जो मॉडम मेरा चल रहा है उसमें 225 का रेंज का आईपी कॉन्फिगर है कहीं ना कहीं, ये देखो ये 225 का रेंज कॉन्फिगर है यहाँ पे, और ये मुझे आईपी यहाँ पे मिल गया 170 रेंज का, समझ में आ गया। अब एक बात पकड़ो, यहाँ पे कैसे प्रूफ करूं आपको कि ये आईपी डीएससीपी से आ रहा है, ये आईपी डीएससीपी से कैसे प्रूफ करें हम लोग। अच्छा कोई बच्चों के घर पे दिक्कत आती है, जैसे आईपी ये कमांड तो चल गई है बट वो आईपी ले नहीं पाया, तो एक चीज बता रहा हूँ आपको, क्या एक बार कनेक्शन को क्या कर लिया करो, यहाँ से डाउन एंड अप कर दो, अप कर लिया करो तो वो ले लेगा अपने आप से आईपी, ठीक है। ये ट्रबलशूट करना पड़ सकता है शायद आपको कभी, ये समझो आप यहाँ पे कैसे बताऊं कि डीएससीपी से ही आईपी आ रहा है आपका भी, वो सुनिए ध्यान से, कैट करो, कैटराइज करो, ये देखो साफ साफ लिखा रहा है यहाँ पे भैया आईपी आपका कौन सा, ये और फिर भी आईपी देखे तो समझ जाए करो डीएससीपी से ही आया है आईपी आपका, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अभी आपका, अब ये देखो इसमें इंटरनेट चला के नहीं चला है, कैसे पता करें, आप पिंग करो google.com, ये लो जी पिंग हो गया, That means हमारा नेट चल जाना चाहिए मशीन के अंदर। ये देखो यहाँ फायरफॉक्स ओपन करिए आप जरा, यहाँ पे देखो फायरफॉक्स ओपन करके यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया आपके सामने, ये देखो भाइयों, यस सर, तो गूगल आपके सामने इस तरीके से आ गया यहाँ पे। अब मान लो कोई पढ़ाई करनी है आपको, देखो देखो आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ,
जैसे आपने बोला ग्रेप कमांड एग्जांपल्स एंड लिनक्स हैं, ये देखो मान लो कोई आपने टैब खोल लिया यहाँ पे, एक तरीका बता रहा हूँ बस मैं आपको, सपोज आपने ये टैब खोला यहाँ पे, अब कोई प्रैक्टिकल्स करने हैं आपको, तो बच्चे पता है घर पे क्या करते हैं ऐसे देखो ये चला लेते हैं यहाँ पे और ये कमांड ऐसे चला चला के ना ये प्रैक्टिस यहाँ से क्या करते हैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट यहाँ पे कमांड ऐसे चलाते रहते हैं। तो ये भी तरीका दोस्तों अपनी पढ़ाई करने का अपने आप में, ठीक है। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यही आईपी डीएससीपी से लेनी थी, मुझे ये आईपी मुझे डीएससीपी से लेनी थी तो मैंने एनएम सिलाई से आपको लेके दिखा दिया, ठीक है। देखो यस सर, बट आपने एक चीज नोटिस करी पता क्या, कि आपको प्रोफाइल पहली वाली डिलीट करनी पड़ी आपको और नई प्रोफाइल आपने क्या कर दी, ऐड करनी पड़ी, बना दी आपने। क्या मैं अब ऐसा कर सकता हूँ सीधे फाइल में, मान लो अगर इसमें स्टैटिक आईपी पड़ा हुआ है, अब दोबारा देखना एक बार, मैं जानबूझ के उसको दोबारा डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा डिलीट कर रहा हूँ उसको, देखो मैं और डिलीट करके मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें जो मैनुअल आईपी डाला था आपने पहले, याद है आपको आईपी मैनुअल आपने, यस सर, तो वो आईपी जरा दोबारा डाल दो एक बार, उससे आपको ये रहेगा कि भाई हमारे इसमें आईपी पड़ा हुआ है मैनुअल वाला। ये देखो ये कमांड थी आपकी, ये कमांड थी, हाँ, V4 लगा हुआ था, IP4 हाँ। चलो आप ऐसा फील करो कि मेरी इसमें आईपी भैया दोबारा से आ गई ये वाली, अब आईपी क्या है 10, अब इसमें नेट चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, अब सुनो, अब मुझे बोला गया कि इसमें डीएससीपी से आईपी ले लो और कमांड से नहीं लोगे, फाइल में जाके ले लो आप, तो सीधे ऐसे याद कर लो, फाइल में जाओ सिंपल ऐसे याद कर लो, यहाँ पे जो नल लिखा हुआ है यहाँ डीएससीपी लिख दो और ये जो लिखा है ना प्रीफिक्स ये सब यहाँ से क्या कर दो आप, हटा दे, यहाँ से हटा दो। लेकिन अभी आईपी लेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार डाउन एंड अप करना पड़ेगा, डाउन करके एक बार अप कर दो उसको, देखो यहाँ पे हो गया कनेक्शन शो कर दो, ठीक है। अब देखो आईपी मिला मुझे, अभी नहीं मिला, अच्छा एक काम करो, एक काम करो, नहीं आता है इस कमांड से करा करो, इफ डाउन इफ अप करो उसको एक बार, ये देखो आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करो, google.com को पिंग मारो जरा एक बार आप, अच्छा ये जरूरी नहीं गूगल पिंग हो रहा था, अभी नेट चल रहा है, ठीक है, किसी और को भी पिंग कर सकते हो आप, ठीक है, डन। अब ये बताओ मशीन नंबर टू है, मशीन नंबर टू में मुझे नेट चला के दिखाना है आपको, वाईफाई से आईपी लेना है डीएससीपी से, लेकिन कमांड से नहीं डालना, मान लो मुझे हटाओ, चलो ये देखो इफ कॉन्फिग करो, यहाँ पे आईपी आ रहा है यहाँ पे, सीधा फंडा देखो अपनाते हैं क्या, एक नया तरीका सिखा रहा हूँ आपको, सुनो ध्यान से। अभी आपने एक तरीका क्या सीखा था मुझसे, कि जो फाइल है उसको डिलीट मार के ऐड कर दो, नया बना दो, फिर आपने मुझसे सीखा कि नहीं अगर ये फाइल है तो फाइल में ही आईपी डिलीट करके डीएससीपी सेट कर दो, ठीक है। अब कई बच्चे पता मुझे क्या बोलते हैं, सर पता नहीं मैं गूगल कर रहा था, गूगल पे मुझे एक नया फीचर्स दिखाई दिया मुझे रेल 7-8 के अंदर, क्या कि एक लैन कार्ड की हम चाहें तो दो फाइल भी बना सकते हैं, दो से ज्यादा भी बना सकते हैं, कैसे, मान लो एक फाइल में हमारी स्टैटिक आईपी पड़ी हुई है और इसी लैन कार्ड की मैं एक फाइल और बना दूं, ध्यान देना, और उसमें डीएससीपी सेलेक्ट कर लूं, इसमें मैनुअल सेलेक्ट कर लूं, लेकिन लैन कार्ड एक है फाइल दो है बट एट अ टाइम अप एक रहेगा, बट आपको इसमें फायदा क्या होगा, बार बार आपको डिलीट नहीं करना पड़ेगा। जैसे पता है अभी क्या करना पड़ा आपको, आपको डिलीट करना पड़ा तब नया बनाना पड़ा आपको, मैं क्या कर सकता हूँ पता है, एक ही लैन कार्ड की दो फाइल बना के रख सकता हूँ, जैसे एक फाइल वन फाइल टू। अब सुनो ध्यान से फायदा क्या होगा इसका, जब मुझे आईपी मैनुअल वाला चाहिए तो मैं इसको अप कर लूंगा और जब मुझे डीएससीपी वाला चाहिए तो मैं ये कर लूंगा, करके दिखाऊं आपको एक एग्जांपल लाइव आपको, देखो ये देखो ध्यान से, मान लो हमारी मशीन में ये एक लैन कार्ड है, अभी टॉपिक पता मेरे दोस्तों क्या सिखाने जा रहा हूं आपको, सुनो, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल प्रोफाइल ऑफ एनी सिंगल इंटरफेस। देखो ध्यान से दोस्तों कैसे करते हैं इस चीज को, आप ऐसा समझो मेरा अभी एक यहाँ पे आईपी पड़ा हुआ है एक्स वाई जेड के अंदर, ठीक है, और ऑलरेडी इस पे एक आईपी आ रहा है मेरा, कौन सा 20 वाला। अब मैंने बोला कि नहीं एक प्रोफाइल और बना दो आप, कनेक्शन ऐड कनेक्शन नेम, दोस्तों मैंने फाइल का नाम इंटरनेट ले लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, और कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है,
इफ नेम हमारा सेम रहेगा, टाइप ये रहेगा, ठीक है, ऑटो कनेक्ट यस रहेगा, एंटर मार दो बस। अब ध्यान दो यहाँ पे, आपके पास एक लैन कार्ड की दो फाइल आ चुकी हैं, बट देखो ध्यान से, ये वाली अप प्रोफाइल हमारी अप है, ये चल रही है, और ये हमारी डाउन पड़ी है अभी, क्योंकि एट अ टाइम अप एक ही हो सकता है, एक लैन कार्ड एक ही फाइल में एक्टिवेट हो सकता है एक टाइम पे, या फिर इस कमांड में एक कमांड चलाओ आप हाइफन हाइफन एक्टिव, ये आपको बता देगा कि अभी एक्टिव प्रोफाइल ओनली एक्स वाई जेड वाली है हमारी। अच्छा, अब मुझे थोड़ी देर के लिए इंटरनेट चलाना है और इसको डाउन करना है, तो पता है क्या करो आप, कनेक्शन अप कर लो, किसको, इंटरनेट को, इंटरनेट वाली को, देखना ध्यान से, तो अपने आप से शो करो यहाँ पे। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे, ये देखो इंटरनेट वाला डाउन हो गया और इंटरनेट वाला क्या हो गया, अब एक्सेस हो गया, ओके अप हो गया। अब देखो यहाँ पे आईपी क्या आया, 225.168 आ गया है। एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, क्या इसमें गूगल चलना स्टार्ट हो गया, हो जाएगा सर, पिंग करेगा, चल गया, हो गया। अच्छा अब एक बात बताओ, इसका आईपी देखो पहले, आईपी क्या है इसका, 225.170 है, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से उसको पिंग कर पाऊंगा अभी, भाई पिंग होगा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, लोकल मशीन है मेरा, ये तो पिंग होगा ना, ये देखो पिंग हो रहा है आराम से। अच्छा अब मान लो, सुनो ध्यान से सुनना, ये बड़ी कमाल की बात है, देखो क्या, आपके पास अब इस वाली मशीन में भी इंटरनेट चल रहा है, मशीन नंबर वन में, और मशीन नंबर टू में भी क्या चल रहा है आपका, दोनों में इंटरनेट चल रहा है, इसका आईपी है 192.168.225.170, इसका 192.168.225. कितना है, 168 है, 168 था। पक्का समझ जाओ, पता है एक बात क्या, कि कहीं ना कहीं हमारी दोनों मशीनों में, पता है जब इनमें इंटरनेट चल रहा है और नीचे विंडोज में भी इंटरनेट चल रहा है हमारा, तो पता है हमारी विंडोज वाली मशीन भी ऊपर वाली दोनों मशीन को क्या करनी चाहिए, हाँ विंडोज मशीन करने के लिए पिंग करनी चाहिए, ये देखो विंडोज आर करो और यहाँ पे पिंग मार के देखो आप किसको, 225 डॉट, ध्यान दो ये हमारे डीएससीपी वाला आईपी इंटरनेट वाला, ये देखो ऊपर क्या हो रहा है, विंडोज हमारा पिंग हो रहा है सर। ऐसे दोबारा देखो यहाँ पे क्या, क्या मैं 168 को पिंग कर पा रहा हूँ, ध्यान देना, ये देखो पिंग कर पा रहा हूँ। अब कई बच्चे होते हैं, पता है मुझे क्या बोलते हैं, सर हमारे घर पता नहीं, मेरा कोई फ्रेंड है सर, वो पता है कैसे प्रैक्टिस करता है सर लिनक्स के अंदर, वो प्रैक्टिस सर वो ऐसे नहीं करता जैसे आप पढ़ाते हो क्या सर, वो आप तो सर क्या करते हो मशीन में अंदर घुस के यहाँ कमांड चलाते हैं आप ऐसे यहाँ पे, सर वो ऐसे नहीं करता, वो पता क्या करता है सर, पहले दोनों मशीनों में नेट ऑन कर लेता है इंटरनेट, ताकि नीचे विंडो जब वो हमारी मशीन दोनों पिंग हो जाती है, ठीक है, सुनना ध्यान से, फिर पता वो क्या कह रहा है सर, वो उसने क्या करता है विंडोज से, यहीं से ना विंडोज से वो सीधे दोनों वीएम पे लॉगिन कर जाता है, कैसे लॉगिन करता है सुनिए दोस्तों, विंडोज में एक सॉफ्टवेयर आता है पुट्टी नाम का, इस नाम से, पुट्टी नाम से, इससे आप देखो लॉगिन कैसे करोगे वो सुनो, ये गूगल से आप डाउनलोड करोगे ना पुट्टी आपको मिल जाएगा, देखो मैंने यहाँ क्या कर रखा है, पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, मैं इस पे गया, आईपी एड्रेस मांगेगा, ये ऐसे आएगा आपके सामने, ठीक है, यहाँ जाओ आप, रिक्वायरमेंट क्या है, ऊपर वाली मशीन पिंग हो रही होगी तभी ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है, 225.170 दोस्तों, ये SSH का ना पोर्ट नंबर है 22, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिमाग में लगाना है यहाँ पे, तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे ना देखो क्या होगा, लॉगिन पेज आ गया, ये देखो लॉगिन आ गया, यहाँ पे लिखो रूट, पासवर्ड देगा और एडिट आपका पासवर्ड, लो जी ये लिनक्स का आपको वीएम मिल गया, सेम आप पता है इसको ऐसा फील करो जैसे मेरी कंपनी का कोई लाइव सर्वर चल रहा है कहीं पे और वो मैंने लॉगिन कर लिया है और यहीं से देखो मैं उस पे क्या कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिकल्स कर पा रहा हूँ, कैसे यहाँ इसको जो भी देखो कमांड चलानी है LS CD PWD जो भी चलाने चलाओ आराम से बिंदास, तो अभी तक जितनी प्रैक्टिकल्स आप ऊपर वीएम में जाके करते थे ना सीधे सीधे आप नहीं, आप एक रिमोट लॉगिन वाली फीलिंग्स लेके इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा इसमें, इसमें वही आईपी एड्रेस डालेंगे जिसका भी वो सर्वर का आईपी चल रहा है और यूजर नेम पासवर्ड डाल के रिटर्न कर देंगे तो अच्छा कहीं का भी सर्वर कहीं भी चल जाएगा। देखो जैसे मैंने एक पुट्टी सेशन मैंने दोबारा ले लिया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, अरे म्यूट रखो दोस्तों, म्यूट रखो, 168, ठीक है, ये देखो यहाँ गया मैं रूट रेड, मैंने पासवर्ड दिया, अब भाई आपको बात समझ में, देखो समझने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पे ये मेरा कौन है स्टेशन, हाँ जी
और ये कौन सा है? और देखो एक नई चीज दिखाऊं मैं आपको, ये दोनों भी देखो आपस में पिंग हो रहे हैं, देखो ये देखो ये देखो देखो ये भी पिंग हो रहे हैं आपस में। और तुम्हें पता देखो यहीं से अगर अभी लॉगिन करना है ना, यहाँ से जाके देखो ऐसे स्टेशन 192.168.225.170 देखो ये यहाँ से भी क्या कर पा रहा है, ठीक है। और नहीं काम करना आपको यहाँ से क्या कर दो, लॉग आउट कर दो। अब तो आपको समझ में आ गया, तो ये तरीके हैं दोस्तों रिमोट लॉगिन करके काम करने के। अब मैं आपको नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, सुनो। ये मैंने बंद करना है, बंद कर दिया। अब मैं डायरेक्टली वीएम में आना चाहता हूँ, वीएम में ऐसे आ जाओ वापस यहाँ पे, ठीक है। अब एक नई चीज सुनो, मान लो आपने बोला मुझे सर ये चीज आपने जो नई सिखाई थी अभी क्या कनेक्शन मल्टीपल बनाने वाली, ठीक है। मशीन नंबर 2 पे जाओ वापस, आपने यहाँ देखो दो प्रोफाइल बनाई थी, एक में मैनुअल आईपी है और एक में हमारा दोस्तों क्या है इंटरनेट आईपी है। चलो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे अब मुझे मैनुअल आईपी चाहिए, मेरी बात सुन रहे हैं आप, क्या आईपी चाहिए मुझे मैनुअल वाला, तो बताओ क्या करोगे आप, किसको आप करोगे? एक्स वाई जेड को दोस्तों मैंने अप कर दिया, तो देखो इंटरनेट वाला अपने आप डाउन हो गया। तो सुनो ध्यान से यहाँ पे, तो ये देखो समझो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 20 वाला आईपी आ गया अपने आप से। जब बाद में मुझे इंटरनेट फिर चलाना होगा तो मैं चला सकता हूँ। अच्छा मुझे इंटरनेट चाहिए नहीं इसमें आप दोबारा से, तो फिर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, तो फिर आप एक काम करो NMC लाइक कनेक्शन डिलीट मार दो, इंटरनेट खोलो, बात करते हैं। तो अब सिर्फ ओनली क्या चलता रहेगा आपका, XYZ चलता रहेगा। अब सेम मान लो मशीन नंबर 1 पे आके मुझे इंटरनेट बंद करना है और लोकल आईपी चलाना है, कैसे चलाओगे बताओ? कनेक्शन शो करो, शो करेंगे। अब ये पहले देखो आईपी क्या है हमारा यहाँ पे, आईपी अभी इंटरनेट वाला आ रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरे पास दो चॉइस है, क्या फाइल में जाओ, चलो ऐसा करो फाइल से सीखो, राइट आप फाइल में देखो आईपी डालना सीखो जरा एक बार, आप इसी फाइल में आके यहाँ पे क्या कर दो, आप नन कर दो नन, और यहाँ पे आईपी एडीटीआर 10। अच्छा यहाँ पे दो चॉइस है आपके पास, सुनो देखो जब प्रीफिक्स लिखते ना प्रीफिक्स, आप प्रीफिक्स में 24 आएगा, और जब आप नेट मास्क लिखोगे तो आप खुलेआम इसको ऐसे लिखोगे देखो इस तरीके से, ये याद कर लो, ठीक है ओके। ये आईपी एडीटीआर, ये नेट मास्क हो गया हमारा, सेव करो, if down, if up करो। अब दोबारा ये चेक करो क्या मेरी मशीन आपस में ये दोनों अभी बात कर पा रही है क्या, देखो आईपी एड्रेस आ गया, पिंग करा दूं मैं 20 को, पिंग कर पा रहा हूं अभी बिल्कुल कर पा रहा हूं, और यहां 20 से देखो आप 10 को पिंग कर पा रहे हैं, सीख लो ये डेली काम आता है कोर्स में, ठीक है। ये देखो हो गया, लेकिन अब एक चक्कर पड़ गया दोस्तों क्या यार, क्या अब मेरा विंडोज ऊपर वाली दोनों वीएम से पिंग कर रहा है क्या, ये दोनों तो चल रहे हैं, मुझे विंडोज की जरूरत भी नहीं है, वैसे विंडोज की जरूरत कब है मुझे, जब मेरा मन ये कहे कि नहीं मुझे यार यहीं से बैठ के ऊपर यहाँ काम करना है, तो ऊपर काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहले इनको, सर कनेक्ट करवाना पड़ेगा, कनेक्ट करवाना पड़ेगा। अब जरा विंडोज आर पे जाके ये देखो कि मेरी मशीन, अब ये आईपी तो है नहीं हमारा, अब क्या है 0.10, ये पिंग हो रहा है। अब देखो दोस्तों अब पिंग होना बंद हो गया, इसका मतलब क्या, सुनिए ध्यान से, नीचे चल रहा है डीएससीपी, ऊपर हमारा चल रहा है मैनुअल आईपी, तो इसका मतलब हमारी रिक्वेस्ट ऊपर नहीं जा पा रही है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यस सर। मुझे अब पता है वीएमवेयर क्या कहता है, वीएमवेयर ये कहता है कि अगर आपको ऊपर मशीनों में इंटरनेट नहीं चलाना, आपको सुनना ध्यान से, इंटरनेट चलाना है आपको और नीचे भी इंटरनेट चल रहा है, तो भैया कोई सेटिंग मत करो, सीधे सीधे आप सीधे आपका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन अगर आपको इंटरनेट नहीं चलाना दोनों वीएम के ऊपर और फिर भी आप नीचे से लॉगिन करना चाहते हो, तो वीएमवेयर पता है क्या कहता है, मैं आपको एक वर्चुअल अडेप्टर बना के देता हूँ आपको, और इस अडेप्टर में एक सेटिंग कर लो आप क्या कि नीचे विंडोज के एक अडेप्टर पे ना अपनी उसी रेंज का आईपी डाल दो जो अडेप्टर इन दोनों लैन कार्ड से ऊपर यहाँ पे क्या कर पाए, बात कर पाए, ठीक है। वो कैसे करते हैं सेटिंग देखो ध्यान से, देखो सिंपल ऐसे याद करो, यहाँ जाओ, ये बहुत खतरनाक प्रैक्टिकल है देख लेना ध्यान से, मिलता नहीं फिर आपको बाद में कैसे क्या करते हैं हम लोग ये चीज। जो लोग नेट चला रहे होते हैं वो तो लॉग इन कर पाते हैं, जो नेट नहीं चला रहे वो लॉग इन ही नहीं कर पाते, वो कहते हैं सर मशीन कनेक्ट नहीं हो रही मेरी। मशीन नंबर 1 पे जाके एक सेटिंग चेंज करनी है आपको, देखो क्या यहाँ जाना है आपको, जो आपने ब्रिज नेटवर्क ले रखा है ना दोस्तों, ब्रिज को यहाँ से हटा दो थोड़ी देर के लिए,
यहाँ पे कस्टम में आना है आपको, कहाँ आना है दोस्तों आपको? कस्टम, कस्टम में आके और वीनेट यहाँ पे 8 ले लो ये वाला। और ये 8 क्यों लिया मैं आपको रीजन बताऊंगा। ये पता है 8 जो वीएम नेट 8 है ना, ये अडेप्टर नीचे विंडोज में बना हुआ है, मैं उसके साथ मैपिंग करना चाहता हूँ ऐसे मान लो मशीन को, ठीक है? ओके ओके ठीक है। तो यहाँ दोबारा बोल रहा हूँ, ये लेने की जरूरत नहीं आपको अंटिल अनलेस आप नीचे विंडो से ऊपर वीएम को बात नहीं करवाना चाहते। ये देखो अब ये यहाँ पे राइट ऐसे करके कनेक्ट कर दो इसको, कनेक्ट हो गया। ऐसे सेम यहाँ पे देखो दोस्तों आप यहाँ पे क्या यहां से देखना, ऐसे यहां जाके सेटिंग में जाओ, सेम सेटिंग यहाँ पे कर दो दोस्तों आप, वीएम नेट 8 ले लो यहाँ पे, ओके करो और एक बार कनेक्ट कर दो, ठीक है? आईपी जो है वो रहने दो सेम। अब ये देखो कि नीचे विंडोज के देखो ये सेटिंग है आपके सामने, वाईफाई दिख रहा है आपको नीचे मेरा, दिख रहा होगा हाँ दोस्तों, जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ आके अपने चेंज अडैप्टर ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे आपको देखो अडैप्टर दिखाई देंगे आपको। तो देखो जहाँ वाईफाई चल रहा है उसको मत छेड़ो, वो तो आपका मेरा क्लास मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो आपके सामने। केवल इस पे जाओ 8 वाले पे, देखो वीएम नेट 8 आ रहा है यहाँ पे। इज्जत से यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आना है आपको, ऐसे प्रॉपर्टीज में आके दोस्तों क्या करोगे, IPv4 पे जाओ, ठीक है? प्रॉपर्टीज में जाके, अच्छा देखो मैंने शायद किसी को पहले पढ़ाया होगा तो मैंने सेम आईपी डाल रखी उस रेंज की, देखो समझो ना एक बार, ऊपर 10 था एक 20 था तो 50 उसी रेंज का आईपी हो गया ना एक तरीके से। अगर यहाँ नहीं, जैसे मान लो घर पे नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे आना है और यहाँ पे उसी सेम रेंज की आपको आईपी डाल देनी है, कुछ भी आपको सबनेट अपने आप ले लेगा, ठीक है? गेटवे वेटवे कुछ मत डालो यहाँ पे, चाहिए नहीं आपको, चुपचाप इसे ओके कर दो और क्लोज करो। और एक बार यहाँ पे दोस्तों डिसेबल करके इसे क्या कर दो, एक बार इनेबल कर दो, ठीक है? तो ऐसे मान लो अभी हमारी सारी मशीन हमारी वीएम नेट 8 वाले एडेप्टर में क्या हो गई, कनेक्ट हो गई, ठीक है? अब देखो यहाँ से क्या करोगे आप, सॉरी अब देखो ये 10 को यार मैं पिंग कर पा रहा हूँ यहाँ से, ये देखो 10 पिंग हो गया आपका, हाँ बिल्कुल। और ऐसे अगर मैं ऐसे में अगर 20 को पिंग करूँ तो 20 नहीं होगी, 20 पिंग हो गया। तो समझो देखो जब आपने DHCP से चलाया था तो आपने कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ी आपको, लेकिन अब जो आपने DHCP बंद करके चलाया मैनुअल तो सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। और अब देखो यहाँ पे दोस्तों अब पुट्टी पे जाओ वापस जाके, वही अब इंटरनेट वाली आईपी मत डालो, अब जो मैनुअल आईपी वो डाल दो यहाँ पे 10, ध्यान देना 10, हाँ गया, यस रूट से लॉगिन करो दोस्तों। ये तरीका है लोकल टू वीएम पे प्रैक्टिस करने का, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको। ऐसी देखो दोबारा एक सेशन और ले लो यहाँ से, न्यू सेशन यहाँ पे डालो आप क्या, ये देखो सर एक बात पूछनी थी इसमें, जैसे ये खाली प्रैक्टिस, हेलो हाँ सर, ये खाली प्रैक्टिस के लिए पुट्टी वाला इस्तेमाल करना है या फिर ऑफिसेज में भी होता है ये पुट्टी का इस्तेमाल? ऑफिस वाले में यूज होता है, ऑफिस में आपको पता क्या मिलेगा, आप तो भी यहाँ क्या करते हैं, आप सीधे सर्वर में सीधे से लॉग इन करके यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे करके यहाँ पे, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होगा। ये सर्वर रूम आपका या तो क्लाउड पे बना हुआ है, क्लाउड पे सर्वर रखा हुआ है आपका, या किसी डेटा सेंटर के अंदर सर्वर आपके रखे हुए हैं यहाँ पे। आपको जो ऑफिस में लैपटॉप मिलेगा ना, वो लैपटॉप में ऐसे मान लो यही लैपटॉप है वो आपका ऑफिस वाला, ठीक है? इसमें वर्चुअल मशीन नहीं है वो, यहाँ पे ऐसे मान लो सिंपल आपको ये लैपटॉप विंडोज है आपका, यहाँ पुट्टी पड़ी हुई है, पुट्टी से आपको यहाँ सीधे क्या करना है, काम करना है आपको। अच्छा मोस्टली पुट्टी से काम करना पड़ेगा, वहाँ पे VMware पे काम नहीं, ऐसे ही काम करना है आपको। तो ये सीख लो फिर आप आदत डाल लो इसकी आप। तो जनरली पता है लोग बच्चे क्या करते हैं, मैंने घर पे जो देखा है प्रैक्टिकल के टाइम पे, वो क्या करते हैं मशीनों को यहाँ पे ऑन करके छोड़ देते हैं और ऐसा फील करते हैं मेरा डेटा सेंटर में हमारा लाइव सर्वर ऑन है, इसका आईपी है, तो इनको यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। वो ऐसे मिनिमाइज करके वो प्रैक्टिस जब भी करते हैं ना यहाँ से, तो सीधे पुट्टी ओपन करके यहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। वो ऐसा फील करते हैं ये डब्बे मेरे सामने नहीं है और डब्बे मेरे और कहीं रखे हुए हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ से कमांड चला रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ अपना बैठ के बस। तो सर जितनी भी कमांड सब मैं सीखी है, हाँ सारी पुट्टी पे चला सकते हैं, कर सकते हैं सारी कमांड, बिल्कुल सारी कमांड बिल्कुल चला सकते हैं, एज इट चलेगा आपका सब कुछ, ठीक है? हां तो फिर मतलब वो VMware खोलने की जरूरत नहीं है, नहीं बार-बार,
जैसे मान लो कल आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको याद है कल आप प्रैक्टिस कर रहे थे सर्विस स्टार्ट स्टॉप करने की, तो सीधे यहीं से कर सकते हैं पुट्टी से, आप सब कुछ करिए आप यहाँ से, ठीक है? ठीक है, पुट्टी डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, वो आप देख लो, मैंने दोनों तरीके बताए आपको। देखो सुनो, मैंने दो तरीके ये बताए आपको। अगर ऊपर इंटरनेट चलना है, चल रहा है, तो नीचे कनेक्ट करना चाहते हैं आप, तो नीचे कोई अडैप्टर सेटिंग चेंज मत करो फिर आप। अगर आपने ऊपर मैनुअल आईपी ले रखा है, तो जब तक विंडोज में नीचे अडैप्टर पे मैनुअल सेम आईपी नहीं होगा, तब तक ये दोनों मशीन हमारी कनेक्ट नहीं होंगे। वो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब मैं आपको टॉपिक पे आगे लेके जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? सर, एक मेरा कंसर्न था कि जैसे कि अभी तो नेटवर्क का प्रैक्टिस करना है, तो हम मैनुअली सेट कर लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसा ही करता था, मैं पुट्टी से लेके ही मैं काम करता था हमेशा। तो नेटवर्क सेटिंग हमने किया, तो आईपी वगैरह मैनुअली डाला, बट जब हमने कोई डाउनलोड करनी है, कोई अपडेट होना है या कुछ भी होना है, हमें तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी हमारे दोनों मशीन पे। हाँ, इंटरनेट रिक्वायरमेंट होगा। हाँ, तो हम तो वही करेंगे ना सर, अगर सिर्फ मेरे हिसाब से हम सब देखो लोकल लोकल प्रैक्टिस तब कर सकते हैं आप, जब आपको कोई इंटरनेट से कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है इन सर्वर के ऊपर आपको, ठीक है? जब मैं आपको बोल रहा हूँ, अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको यार ऊपर यहाँ पे ना कुछ चीज wget कमांड से डाउनलोड करनी है इंटरनेट से आपको, राइट? तो फिर यहाँ पे इंटरनेट आप चला लो दो मिनट के लिए। अब इंटरनेट चलाना आपको आ गया सब लोगों को, जब भी आपको देखो सीधी बात याद कर लो, नीचे फिजिकल मशीन पे वाईफाई ऑन कर लो आप अपना, और ऊपर डीएससीपी से आईपी ले लोगे तो नेट चल जाएगा अपने आप। जब वाईफाई से आईपी नहीं लोगे तो लोकल आईपी डालोगे तो क्या होगा, इंटरनेट नहीं चलेगा, बट आपका लेकिन ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है? यस यस यस, समझ आ गया आपको? अच्छा अब एक बात सुनो ध्यान से, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। चलो कई लोग बोलते हैं सर नहीं, मैंने तो ऊपर स्टैटिक आईपी की जगह आईपी मैंने स्टैटिक ही डाला सर यहाँ पे, मगर मैंने डीएससीपी की रेंज का ही डाल दिया है अपना, जो मेरा डीएससीपी चल रहा है ना सर, मैंने उसी रेंज का आईपी डाल दिया, तब भी नेट चल गया है मेरा। क्यों चल गया सुनो ध्यान से, अरे भैया आपने जिस रेंज में आपका डीएससीपी आ रहा है, राइट, आईपी आपको डीएससीपी क्या देता है आपको ये बताओ, एक आपको आईपी दे रहा है वो, एक सबनेट दे रहा है आपको, और एक गेटवे दे रहा है, और एक डीएनएस दे रहा है आपको। अगर ये चारों चीजें आप मैनुअली डाल दो, अभी आप कमांड लाइन से मैनुअली डाल दो आप, तो क्या होगा, तब भी तो हमारा इंटरनेट चल जाएगा ना। तो इंटरनेट मत बोलो उसको, आप ये बोलो कि जो जिस रेंज में मैं कनेक्ट हूँ वहां पे वाली मेरा इंटरनेट चल रहा है, तो इंटरनेट मुझे मिल जाएगा। अगर इस रेंज में इंटरनेट नहीं चल रहा तो मैं तब भी तो इनसे कनेक्ट हो जाऊंगा, भले इंटरनेट ना चले मेरा, है ना? इंटरनेट अलग चीज है एकदम। तो कई बच्चे देखो पता मुझे क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से, वो ये कहना चाह रहा है बच्चा मुझे, कह रहा सर एक बात बताओ, ये जो आईपी मेरे पास अभी आ रहा है, मान लो मैं एक इंटरनेट से आईपी लेके दिखाता हूँ आपको, पहले शो करके मैंने क्या किया, इसको डिलीट मार दिया, इसको दोस्तों डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है? अब देखो आईपी यहाँ से गायब हो गया। मान लो उस बच्चे को डीएससीपी से आईपी चाहिए, उसने क्या कमांड चलाई, कनेक्शन एड कनेक्शन नेम, कनेक्शन नेम, आगे उसने क्या किया दोस्तों यहाँ पे, इफ नेम टाइप इथरनेट ऑटो कनेक्ट यस, लो जी ये उसका यहाँ पे आईपी आ जाना चाहिए, नहीं आया कोई बात नहीं, कनेक्शन अच्छा, ये पता आप क्यों नहीं आ रहा आईपी, सुनो यहाँ पे आपको नीचे वो अडैप्टर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है? यहाँ पे जाके वापस क्या कर दो उसको दोस्तों, ब्रिज कर दो यहाँ पे, ठीक है? और ओके करके यहाँ पे और दोबारा कनेक्ट कर दो उसको। देखो अभी आईपी ले लेगा, ये देखो अटक गया मशीन आपका यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि मुझे लोकल कनेक्ट करना नहीं, मुझे तो वाईफाई चाहिए ना, डीएससीपी तो ब्रिज पे मिल जाएगा मुझे आराम से। ऐसे यहाँ पे जाओ जरा एक बार आप, तो यहाँ भी अडैप्टर अपना आप चेंज कर लो आप, ये देखो ये देखो, तो यहाँ पे शायद मुझे अब आईपी मिल जाना चाहिए, यस मिल गया दोस्तों। सेम पता है यहाँ पे क्या करो, ध्यान देना, कनेक्शन शो करो, कनेक्शन डिलीट करके एक बार कनेक्शन दोबारा बना दो। अब तो इसमें आपका हैंडसोन अच्छा हो गया होगा, टाइप इथरनेट ऑटो कनेक्ट यस, इफ डाउन और इफ अप कर दो यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, पिंग करो यहाँ पे, ये देखो दोस्तों ये चल गया गूगल आपके सामने, यहाँ भी चल गया। अब मुझे एक बात बताओ, चलो हटाओ, अगर ये आईपी मुझे अभी डीएससीपी से मिला है, कैसे बताऊं मैं आपको, सिस्कॉन्फिग
नेटवर्क इफ सीएफजी, यहाँ पे चेक करो डीएससीपी आ रहा है ना यहाँ पे दोस्तों, अच्छी बात है। अब देखना मैं आपको स्टैटिक आईपी डाल के दिखाऊंगा, तब भी नेट चला के दिखाऊंगा मैं आपको कैसे डलेगा, लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन क्या रिट्रीव करनी है वो देखो ध्यान से। पहले आप ये चेक करो यार मेरा आईपी कौन सी रेंज का है, 225 रेंज का है दोस्तों, ठीक है, ये सबनेट है मेरा। अब चेक करो इसमें गेटवे क्या सेट हुआ है मेरा अपने आप से, दोस्तों ये कमांड है गेटवे चेक करने की, तो आईपी रूट कमांड में ये चेक करो मेरा गेटवे पता क्या है, 225.1 है दोस्तों, 225.1 है याद रखना, ठीक है, ये मेरा गेटवे है। अब ये चेक करो हमारा डीएनएस क्या सेट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जब नेट चलेगा तो डीएनएस पक्का आया होगा यहाँ पे, ये देखो। तो नेम सर्वर यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया हमारा, नेम सर्वर क्या है हमारा दोस्तों यहाँ पे, तो 225.1 आ गया यहाँ पे, और ये मेरा है, समझिए बात को यहाँ पे। अब ये मत समझो कि मैं किसी आईपी गेटवे और डीएनएस से कनेक्ट कर रहा हूँ अपनी मशीन को, नहीं, आप ऐसे समझो मान लो मुझे किसी ने बोला कि आप अपनी मशीन में अब एक ही बार में क्या करो, आईपी सबनेट गेटवे डीएनएस और होस्ट नेम, ये सारी चीज एक बार में सेट करके दिखाओ। तो होस्ट नेम तो हमारा सेट है पहले से, एक बार करो, अब इसमें हम आईपी डालते हैं मैनुअल, एक बार बताओ, फाइल में जाके डाल के दिखाता हूँ पहले आपको एक बार, ये देखो इसमें जाके अगर मैं यहाँ पे दोस्तों नन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने नन कर दिया, ठीक है, नन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा आईपी एडीडीआर, दोस्तों कीवर्ड याद कर लो, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे, 225 मान लो मैंने कर दिया, चलो 170 कर दिया मैंने दोबारा से, नेट मास्क मैंने लिखा यहाँ पे 225.255.255.0, गेटवे लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या 168.225.1, और डीएनएस 1 का पता मतलब क्या होता है, मास्टर डीएनएस हमारा ये है, तो मैंने जो मेरा गेटवे वही मेरा डीएनएस है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, लो जी सेट हो गया, आईपी सबनेट गेटवे डीएनएस है, ध्यान देना, एक तो ये तरीका मेरा, इसको सेव कर दो यहाँ पे, और एक डीएनएस की एंट्री यहाँ पे कर दो आप, वैसे तो देखो यहाँ पे हो रखी है पहले से ये एंट्री, आपको याद करना पड़ेगा नेम सर्वर के बाद नेम सर्वर का आईपी आता है, नेम सर्वर आईपी मतलब डीएनएस का आईपी, ठीक है। अब क्या करो, इफ डाउन करके देखो, इफ कर देंगे, इफ डाउन के बाद ना ये वाला नाम आता है याद रखना, ठीक है, डाउन, और क्या करो यहाँ पे अप कर दो। अब देखो मशीन में आईपी आ गया, लेकिन अब ये आईपी स्टैटिक है या डीएससीपी बेस्ड है ये बताओ। हाँ स्टैटिक है, देखो यहाँ पे नन लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉरी ये नल लिखा हुआ, देखो यहाँ पे सब आ रहा है यहाँ पे, तो जरा अब देखो गूगल पिंग हो रहा है आपका, अगर गूगल अब भी पिंग हो गया इसका मतलब ये मत समझा करो कि डीएससीपी से आईपी लेते हैं तभी नेट चलता है हमारा, नहीं, अगर मैं सेम वाईफाई मॉडम रेंज का आईपी दोस्तों अगर मैनुअल भी डाल देता हूँ तो तब भी हमारा नेट चल जाता है, देखो इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। अब जरा मुझे आप में से कोई एक बच्चा बताओ मुझे, मुझे मशीन टू पे भी नेट चलाना है और मैनुअल मेथड से चलाना है, मुझे अभी भी नेट चल रहा है यहाँ पे लेकिन मुझे अब मैनुअल चलाना है। अब मैं आपको फाइल वाला फंडा नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको सिखाने जा रहा हूँ कमांड से कैसे करोगे आप। देखो दोस्तों कमांड से करने का ये तरीका है, कनेक्शन शो करो आप, डिलीट मार दो उसको, हटाओ, चलो मैंने डिलीट मार दिया सब कुछ बंद हो गया होगा, कनेक्शन ऐड, कनेक्शन नेम, इफ नेम, टाइप इथरनेट, ऑटो कनेक्ट, यस। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखो आईपी 4 192.168.225.168, जो भी आईपी आ रहा था हमारा। अच्छा ऐसा जरूर नहीं है, अब ये इस रेंज का कोई भी नंबर डाल दो यहाँ पे, ठीक है, 24 यहाँ पे लिखो GW4। दोस्तों सुनो ध्यान से, आप यहाँ पे सुनिए ध्यान से, ये मेरा आईपी था, ये मेरा सबनेट, ये मेरा गेटवे, ठीक है, गेटवे डाल दिया जी मैंने 192.168.225.1 और IPv4.DNS, भाई ध्यान दो इसमें, देखो अब आईपी सबनेट गेटवे और यहाँ क्या डाल दिया मैंने, ये कमांड है एक ही बार में चारों चीज डालने की, ठीक है, कनेक्शन
शो करो यहाँ पे दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही है, आईपी चेक करो, आईपी आया आपके पास? बिल्कुल आ गया जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेटिंग, देखो यहाँ पे फाइल के अंदर सेटिंग आ गई अपने आप से, फाइल में एंट्री नहीं करनी पड़ेगी आपको। देखो अपने आप एंट्री हो गई होगी यहाँ पे, ये देखो नेम सर्वर की एंट्री आ गई यहाँ पे दोस्तों अपने आप। और ये देखो यहाँ पे ये देखो, ये दोस्तों यहाँ पे एंट्री अपने आप से आ गई आपके सामने, आ गई ना। इसका मतलब अब देखो इसमें नेट चल रहा है। अब बताओ मुझे क्या क्या समझ में आया आपको उस चीज से, आपको कि भाई अगर मैं मॉडम वाला रेंज का ही चीजें अगर मैं मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दूं तो मेरा तब भी दोस्तों यहाँ पे नेट क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको दोस्तों? नहीं आया? हाँ, इसमें मतलब कि मैनुअली भी हम काम कर पा रहे हैं और इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, बस जो हमारा जो आईपी था वो हम इंटरनेट वाला डाल आपस में, देखो आपस में मैं एक दूसरे से बात भी कर पा रहे हैं हम लोग। देखो मैं यहाँ से बात कर पा रहा हूँ और ये वाला जो मशीन है मेरा मशीन नंबर वन, ये मेरा इससे भी बात कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सेम मॉडम से हम कनेक्टेड हैं और लोकल आईपी हमारा चल रहा है एक तरीके से। ठीक है, दैट्स इट। तो सर मैन्युअली हम इस फॉर्मूले पे भी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक और फायदा, देखो इसमें ऊपर भी कनेक्ट हो गया और देखो यहाँ से पुट्टी से जाओगे आप तो अभी भी कनेक्ट हो जाओगे आप, कोई फाइट नहीं करनी है आपको। अब इसमें मेरा ये फायदा हो रहा है कि हमें इंटरनेट, अब हमें सर्वर पे कुछ भी अपडेट करना है तो वो भी आराम से हो जाएगा। हाँ, अब देखो वहाँ ऊपर भी नेट चल रहा है, यहाँ भी नेट चल रहा है। अब देखो यहाँ पे गूगल चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, अब मान लो, चलो एक मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। आपको कोई चीज नेट से डाउनलोड करनी है तो आपको नेट वहां जाके मत चला, आप अंदर वीएम में जाके आप नेट मान लो गूगल यहीं पे चला लो। देखो आप, ठीक है, सपोज एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि आपको कोई नेगियोस कोई टूल है दोस्तों, उसका आरपीएम आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, नेगियोस इंस्टॉलेशन इन आरएचईएल 8, एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस मैं आपको। देखो सपोज मैं यहाँ पे गया आपके सामने, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लो इन भाई साहब ने ये वाली कमांड आपको बोली है कि भाई इसको डाउनलोड करो यहाँ से आप, तो अब देखो इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पे ऐसे और मैंने यहाँ पुट्टी पे आके, तो देखो क्या हुआ आपके सामने, फर्स्ट क्लास रन हो रहा है, डन हो गया। दोस्तों ये होता है नेटवर्क सेटअप करने का स्मार्ट तरीका कि लिनक्स में नेटवर्किंग कैसे होती है। इससे इजी तरीके में नहीं पढ़ा सकता मैं आपको क्लास, पता कि मतलब कि पूरा नेटवर्क मतलब लिनक्स में कैसे बनता है और किस तरीके से बच्चे के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए विदाउट कोई भी मतलब रट्टाबाजी, मतलब रट्टा नहीं है आपको कुछ माना। ठीक है, हर तरीके से आपको, हर तरीके से मैंने नेटवर्क बनाना सिखा दिया आपको कि भाई एकदम पहली बार फ्रेश मैनुअल नेटवर्क कैसे बनाते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं कमांड से, फाइल से कैसे करते हैं, फिर इनमें नेट कैसे ऑन करते हैं, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं वो भी सिखा दिया, फिर नेट बंद करके मैनुअल दोबारा कैसे करते हैं वो भी सिखा दिया, फिर आपको नेट बंद कर दो मैनुअल अडेप्टर सेटिंग करके आपको लोकल लोकल आईपी चलानी है आपको तो बिना इंटरनेट के तो कैसे चलाओगे वो भी बता दिया आपको, और आपको इंटरनेट चलाना है वो भी मैनुअल आईपी के साथ चलाना है कमांड से आपको वो कैसे चलाओगे वो भी बता दिया मैंने आपको। तो हर तरीके से पता है, यही मैंने आपको देखा है, पता है सबसे ज्यादा बच्चे लिनक्स के कोर्स में जहाँ फंसते हैं ना, नेटवर्क बनाना उनको नहीं आता है, पता है वहीं पे हार मान जाते हैं कोर्स के साथ कि यार नहीं यार मुझे पता ही नहीं पड़ता, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। सबसे ज्यादा लोग हिम्मत हारते हैं ना दोस्तों रेड हैट कोर्स में, उनको नेटवर्क बनाना नहीं आता, इसलिए उनको हिम्मत उनका एकदम खत्म हो जाता है कि यार नहीं पता नहीं कभी नेट चलना बंद हो जाता है, कभी आईपी डलना बंद हो जाता है, कभी कुछ नहीं है ना। अब मुझे नहीं लगता आपकी क्लास में शायद जिन्होंने ये मेरी क्लास अटेंड करी है और कल वाली क्लास और आज वाली क्लास एकदम क्लियर है सर, एकदम परफेक्ट क्लियर होगा कि आप किसी भी तरीके का नेटवर्क खड़ा कर दोगे आप अपने सामने। ठीक है, अच्छा लेकिन एक बात बताओ, अब चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या ये मेरा स्टेशन 10 और स्टेशन 20 अभी नाम से पिंग होना चाहिए? बिल्कुल होगा सर, होगा सर, सही कह रहे हैं आप। देखो मैं रूट से लॉग इन कर रहा हूँ, आईपी से मैं बात कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टेशन 20 से अगर मैं अपने सर्वर को पिंग मार रहा हूँ, सर्वर नहीं मतलब ऐसे मान लो ये 225.170 को पिंग कर रहा हूँ, पिंग हो रहा है, हो रहा है। यहां से अगर मैं 168 को पिंग कर रहा हूँ तो ये भी पिंग हो रहा है जी बड़े प्यार से 168 ना, ये पिंग हो रहा है। बट ये देखो क्या कि आपकी मशीन स्टेशन 20 से पिंग हो रही है, अब ये पिंग होना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? अरे भैया आपके ईटीसी होस्ट में एंट्री क्या कर रखी है आपने? अच्छा अच्छा, रिलीजेस वाली नहीं होगी सर। हाँ भाई यहाँ थोड़ी चेंज मारा है आपने,
यही गलती करते हैं, पता है हम लोग पढ़ते टाइम सर मशीन पिंग होना बंद हो गया जी। भैया आपने ये सोचो, आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया अपना, नाम आपका सेम है, तो मोबाइल नंबर पहले अपडेट करना पड़ेगा ना। हाँ ये तो अब देखो यहाँ पे क्या 225 ये था ना, 170 इतना दिमाग लगाना है बस आपको इस नेटवर्किंग के अंदर, 168 ठीक है, खत्म कहानी दोस्तों। लो जी ये मैंने, अब देखो पिंग करो जरा एक बार स्टेशन 20 को। ये एक बारीक मिस्टेक करते हैं, पता हम लोग इन बारीक मिस्टेक के चक्कर में नेटवर्क बनाना नहीं आता हम लोगों को, ये बन गया देखो आराम से। अब देखो स्टेशन 10 ये भी पिंग हो रहा है। अब ये देखो ध्यान से, क्या मेरा ये स्टेशन जो 2 वाला है, ये वाला 20 ये पिंग होगा नहीं होगा? आपको सेम यहां क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ये देखो अच्छा एक, चलो मैं आपको इसी बहाने एक नई चीज सिखाता हूँ आपको। कई बच्चे बोलते हैं सर ऐसा हो सकता है क्या, अभी हमारी मशीन दोनों नेटवर्क में है और मुझे उसका पासवर्ड भी पता है, तो अगर मैं यहाँ पे जो अभी एंट्री करने जा रहा हूँ सर, ये एंट्री मुझे ना करनी पड़े, सिंपल ऐसा हो सकता है कि उसकी फाइल यहाँ कॉपी हो जाए किसी कमांड से। देखो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, अभी scp-r रिकॉर्ड, scp मतलब सिक्योर कॉपी कर रहा हूँ मैं, रूट एट द रेट इस वाली मशीन से 170 मशीन से कॉलन लगा दो यहाँ पे, कॉलन मतलब प्लेस बताइए, हमने कहा इसको कॉपी कर दो कहाँ पे, मेरे ETC के अंदर, मेरे ETC के अंदर। देखो पासवर्ड दो यहाँ पे, ध्यान देना। अब देखो ये एंट्री और ये एंट्री दोनों क्या है, दोनों सेम है देखो। तो अब देखो ये मशीन पिंग हो रही है हमारी, ये देखो पिंग हो रहा है बढ़िया आराम से। अब देखो 20 को पिंग करिए यहाँ पे आप, परफेक्ट ये भी पिंग हो रहा है, और सेम देखो यहाँ से इसको पिंग मार के देखो आप। दोस्तों ये तरीका है हमारे कोर्स में नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करने का प्रॉपर, कि भाई नेटवर्क कॉन्फ़िगर कैसे होते हैं हमारे, ठीक है, जहाँ पे किसी भी तरीके से मुझे कुछ भी करना है आप एक सेकंड में नेटवर्क बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। 20 ये देखो डन दोस्तों, चलो फिर। सर ये आपने SCP के किया है, ये किसी पोर्ट के अगेंस्ट जी तो होगा? हाँ ये पोर्ट 22 चलेगा बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट जो आपका चलता है, ठीक है, पोर्ट ओपन है। हाँ ये देखो ये सिंपल मैंने, अच्छा ये आपको मान लो अगर SCP टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको कोर्स में, अभी आगे मैं पूरा पढ़ाऊंगा, आरसिंग कमांड क्या होती है, SCP कमांड क्या होती है, अभी सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेकिन अभी मोटा मोटा ये समझो कि ये नेटवर्क कैसे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या फंडा था इसका। अच्छा अब एक नई चीज और समझो आप, कई बार एक सेकंड दोस्त जरा मुझे एक सेकंड देना प्लीज बस, कई लोग बोलते हैं सर मुझे मान लो इसी मशीन में आपने गेटवे डालना सिखा दिया और सब कुछ सिखा दिया आपने एक ही बार में, लेकिन क्या इसमें 2 DNS कैसे डालेंगे हम लोग? दोस्तों 2 DNS डालने के 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो अब इसकी फाइल में जाएं आप, ये देखो यहां पे जाके आप क्या करें दोस्तों, एक ग्लोबल DNS होता है आपको याद है, कभी जो हम जो ग्लोबल DNS यूज करते हैं इंटरनेट मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में दोस्तों, वो आपने कभी सुना होगा ये 8.8.8 वाला IP हम ले लेते हैं DNS, ग्लोबल DNS के लिए, ठीक है, ये एक फिक्स IP है जो हम लोग इंटरनेट पे हम लोग ग्लोबल DNS के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। ये देखो मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो आप ये समझो यहाँ पे इफ डाउन XYZ इफ अप करो दोस्तों यहाँ पे, आप ये मत ध्यान देना कि 8.8.8 क्या है, आप सिर्फ ऐसे समझो यहाँ पे कि ये मेरा एक इंटरनेट मतलब 2 DNS है मेरे पास, एक फर्स्ट DNS एक सेकंड DNS, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से पिंग मैंने करा यहाँ पे क्या, ये देखो चल रहा है बढ़िया। तो अब जरा ये देखो इस वाली फाइल में 2 एंट्री आई है क्या, देखो यहाँ भी अपने आप से देखो क्या हुआ दोस्तों, नेम सर्वर हमारा ये 1 है हमारा, और ये नेम सर्वर क्या है 2 है। अब कई लोग क्या करते हैं इस वाली फाइल में एंट्री नहीं कर पाते, वो सीधे क्या करते हैं यहीं पे जाके नेम सर्वर ऐड कर देते हैं दोबारा से दोस्तों, तो बात बराबर है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये कमांड लाइन से कैसे सेट करते हैं, कमांड लाइन से देखो मान लो इस वाली फाइल में आपका एक DNS पहले से सेट है, अब आपको एक DNS और ऐड करना है, ये देखो दोस्तों पता क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करो इसको,
xyz को ipv4.dns और यहाँ पे डाल दो ip, लेकिन नहीं ये पहले वाले को ओवरराइट मार देगा और नया डाल देगा ये वाला। मैंने कहा जी नहीं, पहले वाला जो है वो रहे और ये नया आ जाए, तो यहाँ पे आपको दोस्तों प्लस लगाना पड़ेगा। प्लस का मतलब होता है ऐड करना चाहता हूँ उसको, हटाना नहीं चाहता पहले वाले को। अब देखो एक बार इफ डाउन करके इफ अप करो यहाँ पे, ठीक है भाइयों। अब मैंने क्या किया आपके सामने, ध्यान देना प्लीज। ये देखो इस वाली फाइल में एंट्री अपने आप से आ जानी चाहिए। ये देखो एंट्री आ गया यहाँ पे, ये देखो भाइयों। तो ये देखो डीएनएस आपका यहाँ पे भी आके देखो अपने आप से ऐड हो गया, डन। तो हर चीज मैंने देखो आपको फाइल से भी सिखा दी है आपको, और हर चीज दोस्तों मैंने किसे सिखाई है आपको, कमांड लाइन से भी सिखाई है, और मैनुअली फाइलों में जा जा के भी एंट्री करना मैंने आपको सिखा दिया। जो भी आपको पसंद आता है हर तरीके से आपके फंडे क्लियर होने चाहिए नेटवर्क बनाने वाले, ठीक है। अब सुनो अगली टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं आपके साथ, ठीक है, सुनो ध्यान से। अच्छा एक बार जरा सुन लो, कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है मशीन का गेटवे कैसे चेक करते हैं आप, तो गेटवे पता कुछ बच्चे चिल्ला उठते हैं इफ कॉन्फिग कमांड में दिख जाता है, नहीं ये देखो कहीं पे गेटवे आ रहा है, यहाँ पे कहीं गेटवे आ रहा है कहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है। दोस्तों गेटवे देखने की तीन कमांड आपको बता रहा हूँ, उन तीन कमांड के अलावा कुछ नहीं बताएंगे आप, ठीक है। या तो सीधे बोलो सर मैं फाइल में जाके चेक कर लूंगा, बहुत अच्छी बात है, वहां तो सबको दिख जाता है एक बार में। आप सिंपल यहाँ पे आई पी रूट करिए, ये देखो ये गेटवे दोस्तों आपको ये दिखेगा वाया, मतलब ये गेटवे हमारा, ठीक है, डन। या फिर दोस्तों एक कमांड चलाओ रूट हाइफन एन, आप ये देखो ये बताएगा आपका गेटवे कौन सा है यहाँ पे, रूट हाइफन एन मतलब नेटवर्क आपका, ठीक है। या दोस्तों एक कमांड है हमारे पास नेट स्टेट हाइफन एन हाइफन आर, देखो एन का मतलब होता है नेटवर्क, आर मतलब रूट, ये देखो ये भी आपको बता रहा है कि आपका गेटवे कौन सा है और ये गेटवे ट्रैफिक किस पे दे रहा है, इस वाले लैन कार्ड पे दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये तीन कमांड दोस्तों याद कर लो, एक आईपी रूट या फिर रूट हाइफन एन या फिर नेट स्टेट हाइफन एन आर, देखो हम ऐसे भी चलाते हैं, ये बात बराबर है, ठीक है। दोस्तों एक चीज बस और सुन लो, बस आज वाली क्लास में कई बार आपसे पूछा जाता है कि हमारे लैन कार्ड पे स्पीड कितना आ रहा है, लैन कार्ड पे एमबीपीएस मतलब स्पीड कितना है, वो कैसे पता करते हैं हम लोग। एक छोटी सी कमांड है, जैसे आप पहले लैन कार्ड का नाम चेक कर लो, ये आपके लैन कार्ड का नाम है दोस्तों, इसको कॉपी करो यहाँ से, कमांड चलाओ इथ टूल और आगे लैन कार्ड का नाम, देखो ये बताएगा आपको यहाँ पे इथ टूल आगे लैन कार्ड का नाम दो, ये कह रहा है आपके मशीन में दोस्तों इतना एमबीपीएस का स्पीड चल रहा है आपका, फुल डुप्लेक्स में काम कर रहे हैं आप और लिंक डिटेक्टेड, यस है मतलब लिंक आपका डिटेक्ट हो रहा है इसके अंदर। कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी करते हैं, देखो ग्रैप हाइफन आई लिंक, तो ये आपको बता देगा यहाँ पे लिंक डिटेक्टेड है आपका, यस है आपका दोस्तों यहाँ पे, और स्पीड कितना है देखो इसके अंदर आपका ये है, और डुप्लेक्स क्या है आपका, ठीक है दोस्तों, डन। तो ये जो मेरा सेशन था दोस्तों आज वाला, यहाँ तक के लिए एनफ है आपके लिए। तो मैंने हर तरीके से दो मशीनों के बीच में नेटवर्क कैसे बनाते हैं क्या करते हैं वो आपको समझ में आ गया। अच्छा एक बात और सुन लो, जब भी मैं बोलूं आपको मशीन में दो प्रैक्टिकल करने हैं, आपको मशीनों के बीच में करने हैं, तो भले ही आप दोनों मशीन में आप इंटरनेट से आईपी लेके प्रैक्टिकल कर लो या लोकल लोकल आईपी लेके कर लो प्रैक्टिकल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों मशीन मेरी क्या होनी चाहिए दोस्तों, पिंग होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा बार बार कि इन दोनों मशीन में इंटरनेट चलाओ या मत चलाओ, नहीं मुझे मतलब नहीं इस बात से। इंटरनेट चला रहे हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं चला रहे हैं तो आपकी मर्जी है, दोनों मशीन चाहे किसी भी रेंज की आईपी हो दोनों पिंग होनी चाहिए, तभी आप आगे वाले कोई भी सर्वर क्लाइंट के प्रैक्टिकल्स कर पाएंगे आप, अदरवाइज ये मशीन इंडिपेंडेंट काम करेंगी, कोई इनका फायदा नहीं होगा। आप इन दोनों को अगर नेटवर्क में लाना है तो दो ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, दोनों में से कैसे प्रैक्टिकल करो जो आपको पसंद आता है, नीचे पुट्टी से लॉगिन करना है तो कैसे करना है वो भी सिखाया मैंने आपको, ऊपर ऊपर प्रैक्टिस करनी तो कैसे करना है आपको, फिर आपको सेशन नेटवर्क अडैप्टर चेंज करके प्रैक्टिस करनी है मैंने वो भी बता दिया आपको, और कुछ भी चेंज नहीं करना तो ऊपर ऊपर भैया लोकल लोकल यहीं प्रैक्टिस करते रहो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट दोनों को पिंग कराना जरूरी है, चाहे वो डीएससीपी बेस्ड आईपी हो चाहे आपका लोकल आईपी हो आपका, ठीक है दोस्तों। नाउ होपफुली यहाँ तक आपके सारे पॉइंट बड़े प्यार से समझ में आ गए होंगे आपको और अच्छा लगा होगा आपको सेशन सुनने के बाद आपको कि हाँ भाई इसमें मेरे सारे टॉपिक पॉइंट्स मेरे क्लियर हो गए हैं। लेकिन अभी सुनो, ये आज वाली क्लास हमारी एकदम बेसिक नेटवर्क था, ये मैंने पूरा बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट आपको सारे सिखा दिए आपको, ठीक है। अभी इसमें कुछ टॉपिक हमको और करने हैं, ठीक है, वो मैं आपसे फिर जो हम नेक्स्ट सेशन लगाएंगे कल वाली क्लास में दोस्तों, वहां मैं आपसे बात करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है।